ये एक रिवीजन सीरीज है तो इसे रिवीजन के तौर पे ही देखिए। 7 मिनट में एक वीडियो कंप्लीट करें क्योंकि 7-2 लास्ट मूवी सीरीज में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जहां पे हम लोग कवर करने वाले चैप्टर नंबर 1 से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने नोट्स डाउनलोड नहीं करे तो प्रीमियम नोट्स डाउनलोड कर लो। 149 रुपीज में आप लोग को मिल रहा है शिवा कोड यूज करके। इसके अलावा याद रखिएगा गाइस, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए होने वाला है। इसमें आप लोग को जो भी पोर्शन दिया बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है और इसको हम लोग अच्छे वे में कंप्लीट करें। सुबह अपडेट्स पहले आप लोगों को जो फॉलो जरूर कर लेना इंस्टा पे, साथ ही साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरे फिजिक्स के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आप मेरे साथ फिजिक्स डेडिकेटली पढ़ सकते हो। जो पढ़ने वाले हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है 2023-2024 के लिए। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक निकल के आता है चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, तो सबसे पहले करना होता है प्लानिंग। प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप लोग पहले से एडवांस में सोच के रखते हो कि आप लोग क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, किस तरीके से उस स्पेसिफिक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले हो। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले। अगली चीज होती है डायरेक्टिंग। जब भी आप स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करोगे तो एक टीम लगेगी। टीम को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर साहब रहेंगे जो पूरे के पूरे स्पोर्ट्स इवेंट को यहाँ पे डायरेक्ट करने वाले हैं और इन्हीं के कोऑर्डिनेशन के थ्रू पूरा का पूरा स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा। इसके बाद अगला होता है स्टाफिंग। अगर कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो ढेर सारे लोग तो लगेंगे ना, क्योंकि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग होंगे। तो जब हम लोगों ने सारी टीम मेंबर्स को बुला लिया, उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर्स को उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको वो स्पेसिफिक वर्क दे देंगे जिसके थ्रू वो लोग अपना बेस्ट परफॉर्म दे सके उस स्पेसिफिक टीम में रहकर। तो स्टाफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सो दैट इसके थ्रू आप लोग स्पोर्ट्स इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगला होता है ऑर्गेनाइजिंग। जो भी आप लोग को रिसोर्सेज लग रहे हो, जो भी चीजें लग रही हो इस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को या स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वहां पे आप लोग को ऑर्गेनाइजिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगला होता है कंट्रोलिंग। अब आपको करना क्या है, सक्सेसफुली टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना। तो आप क्या करोगे, पूरी टीम मेंबर्स को कोऑर्डिनेट करते रहोगे, चेकआउट करते रहोगे कि सारे काम सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं। अगर कुछ गलतियां हो रही तो आप मोटिवेट करोगे और जहां पे वो बेस्ट कर रहे हो उसको आप लोग को यहाँ पे अप्रिशिएट करना। ऐसे करके आपका टूर्नामेंट बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो पाएगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स है 5 जिसको आप लोग को याद रखना है, एग्जामिनेशन में यही आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आप लोग का अगला टॉपिक है कि कौन कौन सी वेरियस कमेटी होती है। तो देखो यार, जब भी आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करोगे डिफरेंट डिफरेंट लोग लगेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। ऐसे ना स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी कमेटीज होती है, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी है। पब्लिसिटी कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, के अलावा अनाउंसमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, फाइनेंस कमेटी, रिफ्रेशमेंट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा भी और ढेर सारी कमेटी होती है, लाइक फाइनेंस कमेटी, टेक्निकल कमेटी, और इसके अलावा भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जरा 5 कमेटी ऐसी जो आपको याद हो। अब जितनी भी कमेटीज बनाए तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी ना, बेशक। तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आप लोग को यहाँ पे बजट प्रिपेयर करना है, फिक्स्चर्स ड्रॉ करना है कि मैच किसका किसके साथ होगा, आपको प्राइस और सर्टिफिकेट यहाँ पे पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा और डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज बनाना पड़ेगा। जब टूर्नामेंट चल रहा है तो उस बीच में आप लोग को डिसिप्लिन यहाँ पे बनाए रखना पड़ेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा। जो भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टूर्नामेंट की चल रही है आप लोग को न्यूज़पेपर और टीवी तक के पहुंचाना पड़ेगा। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आप लोग को सारे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, सर्टिफिकेट देना है, रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करना है, डिटेल रिजल्ट प्रोवाइड करना है और चीफ गेस्ट का आदर सम्मान करना है। अगला टॉपिक होता है टूर्नामेंट क्या होता है। तो टूर्नामेंट एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जहाँ पे ढेर सारी टीम एक दूसरे के साथ आके कम्पीट करती है। जो टीम जीतती है वो टूर्नामेंट का विनर कहलाती है, बाकी सब लूजर। तो टूर्नामेंट बेसिकली 2 टाइप से डिवाइड होता है। एक नॉकआउट टूर्नामेंट जिसमें की 2 टीम अगर एक दूसरे के साथ खेल रही है, जो टीम जीतेगी वही टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगी, जो टीम हार जाएगी वो टूर्नामेंट से डायरेक्टली बाहर हो जाएगी। यहाँ पे विनर डिसाइड होता है जीत के तौर पे, जितना मैच जीतोगे उतना टूर्नामेंट में बने रहोगे। इसके अलावा अगला होता है लीग टूर्नामेंट। यहाँ पे अगर कोई 2 टीम एक दूसरे के साथ खेल रही है तो उसमें से जो टीम हार भी जाती है तो उसके पास एक या एक से ज्यादा चांस है कि वो टूर्नामेंट में बने रह सके। तो लीग टूर्नामेंट में जो विनर डिसाइड होते हैं पॉइंट टेबल के थ्रू होते हैं, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट वो टीम जीत जाती है। अब अगला होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसमें आप लोग लीग और नॉकआउट को मिला के कुछ 4 नए फॉर्म बनाए जिसके थ्रू आप लोग टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करा सकते हो। तो याद रखिएगा यहाँ पे कम से पहले जो लिखा है वो जोन लेवल के बीच में जितनी टीम्स होगी उनके बीच में मैच होगा, और जोन टीम के जितने विनर्स रहेंगे उनके बीच में कम के बाद जो लिखा है उसके बेसिस पे मैच होगा। तो एक टाइप होता है नॉकआउट कम नॉकआउट, दूसरा होता है लीग कम लीग, तीसरा होता है नॉकआउट कम लीग, और लास्ट में होता है आप लोग का लीग कम नॉकआउट। और जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है आप लोग का लीग कम नॉकआउट। अगला टॉपिक है आप लोग का इंटरम्यूरल। तो ऐसे टाइप की एक्टिविटी जिसमें कि आप लोग विद इन द बॉल आप लोग किसी भी टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स है जिसमें कि आपके स्कूल के ही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे टाइप की एक्टिविटी को कहते हैं इंटरम्यूरल एक्टिविटी। इसे हम लोग इंटर क्लास या फिर इंटर हाउस टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट होता है एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटी, ऐसे टाइप की एक्टिविटी जिसमें कि आप लोग आउटसाइड द वॉल भी यहां पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। मतलब क्या, 2 स्कूल के बीच में यहां पे टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो गया, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन, ये सभी के सभी एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। नॉन प्रॉफिटेबल टाइप का टूर्नामेंट होता है जिसमें कि एक स्पेसिफिक कॉज होता है उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का। इसमें सबसे पहला है स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे इसलिए ऑर्गेनाइज कराया जाता है स्कूल के स्टूडेंट जितने भी है वो अपने आपको रिफ्रेश कर सके, स्पोर्ट्स की तरफ अपने आपको इंडल्ज कर सके और फिटनेस लेवल पे ध्यान दे सके, और जो टैलेंटेड पर्सन रहता है स्कूल उनको आगे जाके पुश करता है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। अगला होता है हेल्थ रन, जिसमें कि आप लोग एक रन कराते हो, स्पेसिफिकली मैराथन कराते हो, जो कि नॉन चैरिटेबल पर्पस से होती है, और इसका एम होता है कि दुनिया को हम लोग हेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सके।
सके। और यहाँ पे जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो चैरिटी को दे दिए जाते हैं जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। अगला है रन फॉर फन, ये भी सेम होता है हेल्थ रन की तरह। यहाँ पे भी आप लोग एक मैराथन कराना है जो कि उस एम के बेस पे होती है जहाँ पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फिट और हेल्दी रहने के लिए प्रमोट करते हो, और उसमें भी जो फंड कलेक्ट होता है वो चैरिटी को दे दिया जाता है। लास्ट होता है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, ऐसे टाइप की रन कराई जाती है जो स्पेसिफिक कॉज के लिए, चाहे तो इबोला वायरस से पीड़ित लोगों के लिए हो, पोलियो से पीड़ित लोगों के लिए हो, तो जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो उन लोगों को चले जाए। लास्ट में होता है रन फॉर यूनिटी, यहाँ पे हम लोग ब्रदरहुड की भावना से यहाँ पे मैराथन कराते हैं कि रिलीजन, रेस, कास्ट इन सबको भूल के हम सब भाईचारे के तौर पे एक मैराथन कर रहे हैं जिससे कि हम ये बता सके कि इंसानियत अभी जिंदा है। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो स्पेसिफिक फंड को दे दिए जाते हैं। तो ये था आप लोगों का टॉपिक, आई होप क्लियर हो गया होंगे। इसके बाद बर्थडे वाले चैप्टर पे वो चीज जो रहने वाली 2023-2024 के एग्जामिनेशन के पॉइंट से, सबसे पहला टॉपिक आप लोग का एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO। याद रखना WHO ने ना अलग अलग ग्रुप के जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइज अपने अकॉर्डिंग बताई जो उन लोग के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल रहेगी उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर वो ये सब चीजों को फॉलो करेंगे तो ढेर सारी जो भी डिसीजेस होती है उन सबसे दूर रह सकते हैं। तो WHO ने ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनाई जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चीजों को समझना है। तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे चार कैटेगरीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली, लेकिन मेनली इसमें से तीन आप लोग के सिलेबस में देखी जाएगी। तो WHO ने सबसे पहले चिल्ड्रन और एडोलेसेंस मतलब 5 से 17 साल के बच्चों के लिए रिकमेंड किया कि उनको डेली 60 मिनट की मॉडरेट टू विग्रेस इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए, साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग ये सब चीजें भी करनी चाहिए, और साथ ही साथ मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा एडल्ट के लिए WHO ने रिकमेंड किया है कि उन्हें लगभग 150-300 मिनट की मॉडरेट इंटेंस एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए या 75-150 मिनट की विग्रेस इंटेंस एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी को वीकली परफॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और इन सभी चीजों को भी रिकमेंड किया गया है। साथ ही साथ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा WHO ने ओल्ड एडल्ट के लिए जो कि 65 के अबव की एज वाले उन लोगों के लिए 150-300 मिनट की नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर रिकमेंड किया है, जिसमें उन्हें वॉकिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, साइकिलिंग ये सब करना चाहिए। और इस एज में बैलेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से बैलेंस एक्सरसाइज को यहाँ पर रिकमेंड किया गया है WHO की तरफ से। तो याद रखिएगा WHO ने एक आइडियल पॉइंट ऑफ व्यू से सभी लोगों के लिए बताया है, लेकिन याद रखना डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के लिए उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इस चीजों को मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को जो डिफॉर्मिटी को देखना है वो स्पाइनल कर्वेचर, जिसमें आपकी स्पाइन जो है वो कर्व फॉर्म में आ जाती है, नॉर्मल से कर्व फॉर्म में, जिस वजह से डिफॉर्मिटीज देखने को मिल जाती है। तो तीन आप लोग को यहाँ पे मेन टाइप की स्पाइनल कर्वेचर देखने को मिलेगी, उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले होता है काइफोसिस, जिसमें आप लोग की जो स्पाइन है वो आगे की तरफ झुक जाती है। आप लोगों ने ज्यादातर ओल्ड एज वुमन को जरूर देखे होंगे, ये माल न्यूट्रिशन, हैवी वेट लोड उठाने की वजह से और वीक मसल्स की वजह से आप लोग को देखने को मिलता है। इसके रेमेडी के लिए आप लोग इसमें पिलो यूज कर सकते हो सोते टाइम, सो दैट ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा धनुरासन को परफॉर्म करें तो भी ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कर्वेचर होता है वो है लॉर्डोसिस, इसमें जो आपकी स्पाइन है वो अंदर की तरफ खसक जाती है लंबर रीजन से। इसका जो कॉज है वो ओबेसिटी हो सकता है, इम्प्रॉपर मसल डेवलपमेंट हो सकता है, और उसको ठीक करने के लिए आप लोग हालासन या सिटअप्स परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप लोग की स्पाइनल कर्वेचर है इसको कहते हैं स्कोलियोसिस। यहाँ पे जो स्पाइन है ये एस शेप ले लेती है, लेटरल शिफ्ट यहाँ पे आप लोग के लिए हो जाता है। ये तब होता है जब आप लोग का इम्प्रॉपर लेग्स का डेवलपमेंट हुआ है या पैरालिसिस हो चुका है। इसको ठीक करने के लिए आप लोग स्विमिंग कर सकते हो बैक स्ट्रोक टेक्निक से, जिससे आप इसको ठीक कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है लॉक नी, जिसमें आप लोग की जो नीज है वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ जाती है, जिससे कि दौड़ते और चलते वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है। ये लैक ऑफ बैलेंस डाइट की वजह से आप लोग को देखने को मिलता है, स्पेशली कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की कमी के होने की वजह से। इसको ठीक किया जा सकता है पद्मासन और गोमुखासन से। इसके बाद आप लोग का बोल है, जिसमें कि आप लोग की जो नीज है ये एकदम एक दूसरे से दूर दूर हो जाती है, नॉक नी का एकदम अपोजिट है, और ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से। इसकी रेमेडी है आप लोग की बैलेंस डाइट परफॉर्म करें या सर्जरी से इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट आप लोग का राउंड शोल्डर, जिसमें आप लोग की शोल्डर जो है आगे की तरफ खसक जाते हैं इस तरीके से, और बहुत ही गंदे टाइप का पोस्चर दिखता है। ये तब होता है जब आपको हेरिडिटी वाला प्रॉब्लम है, ज्यादातर आप लोग टाइट क्लोथ्स पहनते हो। इसको ठीक किया जा सकता है चक्रासन और धनुरासन से। लास्ट आप लोग का फ्लैट फुट, इसमें जो आपका फुट रहता है, फीट रहता है, नॉर्मल फीट के कंपैरिजन में सरफेस एकदम टच करने लग जाता है। ये ज्यादातर मोटे लोगों के अंदर होता है, छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। इसको ठीक किया जा सकता है फिजिकल थेरेपी और टो एक्सटेंशन मेथड से। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को वुमन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो आप जानते हो कि यार सदियों से वुमन की पार्टिसिपेशन को अलाउ नहीं कराया जाता था। आज के इस जमाने में जैसे जैसे जमाना मॉडर्न होने लग गया, वैसे वैसे यहाँ पे वुमन को भी पार्टिसिपेशन का राइट मिलने लग गया। और 1900 में ओलंपिक में वुमन ने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट करी। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि आज तक की वुमन का पार्टिसिपेशन ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहा है। फर्स्ट टाइम ओलंपिक में पीटी उषा ने पार्टिसिपेट करी थी, और कल्लम दलेश्वरी जी ने फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया के लिए। इसके बाद से ढेर सारे ऐसे फीमेल एथलीट्स हैं जिन्होंने ओलंपिक के अलावा और भी जितने वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप होते हैं उसमें अपना पार्टिसिपेशन को बेस्ट दिखाया है। तो लेटेस्ट में जो भी चीजें होगी इसको आप जरूर याद रख लेना। अब क्या रीजन था कि यार स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन वुमन का अच्छे से नहीं हो पा रहा था? जेंडर इक्वालिटी की वजह से, प्लस मोटिवेशन की वजह से, हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मेल डोमिनेंट कल्चर की वजह से। तो ये सभी के सभी फैक्टर्स, इसके अलावा और ढेर सारे फैक्टर्स पॉज करके आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं। अब वुमन पार्टिसिपेट अगर स्पोर्ट्स में करेगी तो फिजिकल बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वेट मैनेजमेंट सही रहेगा, फिजिकली फिटनेस रहेगी, उनके अंदर बोन डेंसिटी बेटर रहेगी, मसल स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा उनको सोशल बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि सोशल एम्पावरमेंट होगा, उनका टीम वर्क बेटर होगा, कम्युनिकेशन स्किल बेटर बनेगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बढ़ेगी। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलेगी, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सबसे वो दूर रहेगी, मेंटल हेल्थ बेटर रहेगी, डिप्रेशन से दूर रहेगी, सेल्फ इमेज अपनी बेटर कर सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेशल कंसीडरेशन। हर स्पोर्ट्स वुमन की जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे टाइप के कंडीशन देखने को मिलते हैं जो उनके बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से देखने को मिलते हैं, और स्पेशली आप लोगों को दो स्पेशल कंसीडरेशन पढ़ना है। पहला है मेनार्क और दूसरा है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। ये दोनों टाइप के स्पेशल कंसीडरेशन उनकी फोर्स की परफॉर्मेंस को हिंडर कर सकती है।
तो सबसे पहला होता है मिनार। मिनार का मतलब ये कि जब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग या फिर पीरियड्स आते हैं वुमन की जिंदगी में उसे कहते हैं मिनार। 6 साल से 16 साल के बीच में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट होता है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। इसका मतलब है कि इंप्रॉपर वे में जब भी मेंस्ट्रुअल साइकल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। ऐसे टाइम में हेडेक, बैक पेन, फैटी क्रैम्प्स, टायर्डनेस, ये सभी देखने को मिलता है जो कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को हिंडर कर सकता है वुमन के लिए। लास्ट टॉपिक आप लोगों का फीमेल एथलीट ट्राइड। तो ट्राइड एक किस्म का सिंड्रोम होता है जो कि 3 कंडीशन में फॉलो कर रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरा, ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि हर फीमेल की जिंदगी में कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है। और इसको भी ढंग से ध्यान भी दिया जाए तो ये परफॉर्मेंस को हिंडर कर सकता है। सबसे पहला ऑस्टियोपोरोसिस, इसका मतलब ये है कि बोन डेंसिटी वीक होने लग जाना। जैसे आप देख रहे हो ये हेल्दी बोन है और ये है ऑस्टियोपोरोसिस की बोन, जहां पे बोन डेंसिटी यहां पे धीरे धीरे करके कम हो गई, जिस वजह से हुआ क्या, फ्रैक्चर की नौबत आ सकती है, इंजरीज आ सकती है। अगला होता है एमेनोरा। कई वुमेन ऐसी रहती है जो एक्सेसिव एक्सरसाइज करती है और इनफ कैलोरी कंज्यूम नहीं करती, जिस वजह से उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंसमेंट आ जाते हैं, जिस वजह से पीरियड्स आगे पीछे होने लग जाते हैं, उसे कहते हैं एमेनोरा। और लास्ट होता है ईटिंग डिसऑर्डर, जहां पे सही तरीके से कैलोरी को कंज्यूम नहीं करने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेफिशिएंसीज देखने को मिल जाती है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो वुमन रहती है उनको ये लगता है कि अरे मैं मोटी होने लग गई हूं, तो खाना ना एकदम से छोड़ देती है सिर्फ और सिर्फ फिट रहने के लिए। लेकिन इसके वजह से होता है कि कैलोरी कंज्यूम करना स्टॉप करने की वजह से उनका मेटाबॉलिक रेट गिरता है और वो बीमार हो जाती है। दूसरा होता है बुल्मिया नर्वोसा। उन्हें ऐसा लगता है कि यार हम लोग खाना खा लेते हैं फिर उल्टी कर देंगे, जिससे कि कैलोरी भी अंदर कंज्यूम नहीं होगी और खाने का खाना भी हो जाएगा। लेकिन इस वजह से भी बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम देखने को मिलती है और इसे भी कहा जाता है ईटिंग डिसऑर्डर। इससे यहाँ तक डेथ भी हो सकती है। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक सारी चीजें कवर हो चुकी होंगी डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए यूनिट को, जिसका नाम है योगा एंड लाइफस्टाइल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए होने वाला है। पहली चीज योगा निकल के आता है। योगा क्या होता है दोस्तों? योगा वर्ड जो है यूज वर्ड से डाई हुआ, जिसका मतलब होता है यूनियन। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो योगा एक किस्म से आत्मा की परमात्मा से मिलन कराना है ना। बट अगर मैं फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो योगा क्या है? योगा बेसिकली एक ऐसे टाइप की एक्सरसाइजेस है जिसके थ्रू आप लोग अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हो, मेंटली वेलबींग रख सकते हो, स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रख सकते हो। ये सभी बेनिफिट्स आप लोग को योगा देता है। अब अगला वर्ड निकल के आता है आसन। क्या होता है? तो आसन वर्ड के बारे में हमेशा याद रखना। पतंजलि जी ने बताए थे स्थिरम सुखम आसनम के बारे में। मतलब यही कि यार जो आसन है वो एक्चुअल में पोस्चर्स है, जो भी योगिक की क्रियाएं की जा रही। मतलब योगा क्या है? फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। उसको परफॉर्म करने की जो एक्सरसाइज के जो पोस्चर्स है उसको आसन कहा जाता है। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे बोन्स मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बेस्ट हो जाएगा, आप लोगों की बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेनिफिशियल रहता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बेनिफिशियल रहता है, और ऐसे ढेर सारी चीजें जिसमें ये बेनिफिट आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोग से बात करना चाहता हूं, सबसे पहले जो डिसीजेस का नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? बेसिकली ऐसे टाइप की कंडीशन जिसमें आप लोग का फैट परसेंटेज बॉडी के अंदर जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है तो सब लोग ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी अगर बीएमआई के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी जाए तो अगर आप लोग का स्कोर 29.9 से ज्यादा आता है तो आप लोग ओबेसिटी कैटेगरी के अंदर। अब इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे ठीक किया जा सकता है? तो कुछ आसन है जिसके थ्रू आप लोग ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहला है ताड़ासन। तो ताड़ासन एक ऐसे टाइप का आसन है जिसमें कि देखो यार पोस्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। मेन चीज ये है कि पोस्चर याद होना चाहिए और बाकी आसन के बारे में बेनिफिट आप लोग खुद से भी लिखकर आराम से आ सकते हो। तो यार पहला बेनिफिट तो यही होगा इसका डेफिनेटली, क्योंकि ये ओबेसिटी के अंदर है। ताड़ासन को एक्चुअल में माउंटेन पोज कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगिक एक्सरसाइज है और इसको बेसिक फॉर्म ऑफ आसन भी कहा जाता है। इससे आपका बॉडी पोस्चर इंप्रूव होता है और साथ में ओबेसिटी भी रिड्यूस होती है। अगला होता है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन को एक्चुअल में रोटेशन ऑफ वेस्ट टाइप का आसन भी कहते हैं, जहां पे आप लोग कमर को ट्विस्ट करते हो कुछ इस फॉर्म में, जैसे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम। इसके थ्रू आप लोग की स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बैक में अगर कोई पेन वेन हो तो वो रिलीफ हो जाता है, ओबेसिटी रिड्यूस होती है, नेक में अगर कोई पेन वेन रहा तो वो भी ठीक होता है। अगला है पवन मुक्त आसन। नाम से समझ में आ रहा है कि पवन की मुक्ति करना है। तो ऐसे टाइप का आसन जो कि विंड रिलीफ इन पोज के नाम से जाना जाता है, ये हाथा योग के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसका योगिक पोस्चर कुछ इस फॉर्म में दिखता है। ये एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। अगला आसन है जिसका नाम है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन को एक्चुअल में फिश पोज आसन कहा जाता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसको परफॉर्म करना बट किया जा सकता है, थोड़ा सा ये डेंजरस भी दिख रहा है, बट हाँ ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ओबेसिटी के, नेक की मसल्स को ठीक करने के लिए, अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए। इसके बाद अगला होता है आप लोग का हालासन। तो हालासन एक ऐसे टाइप का आसन है जिसको हम लोग प्लो पोज कहते हैं, जिसमें कि फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होती है, कुछ इस तरीके से उसको परफॉर्म किया जाता है। एक्चुअल में इसके थ्रू आप लोग अपनी जो बैक की मसल्स उसको सही कर सकते हो, मेमोरी पावर बढ़ा सकते हो और आप लोग अपनी बेली फैट वगैरह को भी रिड्यूस कर सकते हो। इसके बाद अगला है पश्चिमोत्तासन। पश्चिम की तरफ आप लोग को फेस करके इस तरीके से पोस्चर को परफॉर्म करना है। इसको वेस्ट स्ट्रेचिंग पोज के नाम से भी जाना जाता है। इसके थ्रू अगर आप लोग की बैक में कोई इश्यूज है तो वो ठीक हो जाता है, फैट परसेंटेज आपकी बॉडी के अंदर वो रिलीफ होता है, फर्टिलिटी इनहेंस होती है। अगला है अर्धमत्य सिंहासन। नाम से समझ में आ रहा है कि अर्धमत्य मतलब कि हाफ फिश पोज। तो कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि आप लोग लीवर और किडनी के फंक्शन को बेटर बनाता है, आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम को बेटर करता है, मेंस्ट्रुएशनल डिस्कम्फर्ट से आप लोग को सही रिलीफ देता है। अगला है धनुरासन, जिसे बो पोज कहते हैं। मलिका जी आपको दिख रही है यहाँ पे इस तरीके से बो पोज करते हुए। बो पोज के अंदर आप लोग का फुल बॉडी स्ट्रेचिंग हो रहा है, स्पेशली जो बैक का रीजन है वहां पे, तो मैं कह सकता हूँ बैक और एब्डोमिनल की मसल यहाँ पे इंप्रूव होती है। स्टमक डिसऑर्डर वगैरह है तो वो सही होता है, और अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज बढ़ गया तो वो रिड्यूस होता है। क्या होता है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन को हम लोग कैमल पोज भी कहते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे दैट इज अ कैमल पोज। इसके थ्रू आप लोग की बॉडी के अंदर फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होती है और ये साथ में डाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, और आपकी लोअर बॉडी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करता है। इसके बाद अगला होता है सूर्यभेद प्राणायाम। प्राणायाम में तो नाम से समझ में आ रहा है मेडिटेटिव फॉर्म का आसन है, जो एक्चुअल में वार्मिंग और एनर्जाइजिंग प्राणायाम के नाम से भी जाना।
आजाद। इस प्राणायाम को परफॉर्म करने के लिए इस तरीके की विश्व मुद्रा आप लोग को करनी पड़ती है। देखो एक बार पहले इस तरीके से नाक में हाथ रखे, सांस अंदर लिए, फिर रिलीव करें लेकिन दूसरे पोज में रखे। तो नेक्स्ट आप लोग का डायबिटीज, तो डायबिटीज आप से कितने लोगों के घर में किस किस को कमेंट बॉक्स बताओ। तो डायबिटीज यार एक बहुत ही मेजर कंडीशन है जिसमें बॉडी के अंदर जो ब्लड का शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है रैपिडली। मैं कह सकता हूँ ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो एक किस्म से प्रॉब्लम निकल जाती है जिसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी डायबिटीज के अंदर एक्सटर्नल इंसुलिन हम लोग लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू। तो याद रखिएगा डायबिटीज का प्रॉब्लम तब हो जाता है जब आपकी बॉडी के अंदर पैनक्रियास जो है एक्चुअल में इंसुलिन डेवलप नहीं कर पाती है, ऐसे टाइम पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होकर आती है। अब इसको ठीक करने के लिए या फिर इससे बचने के लिए कौन से आसन करने हैं, तो आइए जानते हैं। कटी चक्रासन जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, पवन मुक्त आसन इसके बारे में भी पहले देख लिया। अगला है भुजंगासन। भुजंगासन को कहा जाता है कोबरा पोज, जिस तरीके से इसको परफॉर्म करना रहता है एक्चुअल में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये सूर्य नमस्कार के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है। इसके थ्रू आप लोग की पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, बैक का कोई इशू है तो वो ठीक हो जाता है, मेंस्ट्रुएशनल इररेगुलरिटीज तो वो सही होती है। इसके बाद अगला आसन होता है जिसका नाम है शालाभासन। शालाभासन को एक्चुअल में कहते हैं लोकस पोज, तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एक्चुअल में इसको ग्रास हॉपर पोज के नाम से भी जाना जाता है, जैसे देख रहे हो ग्रास हॉपर कुछ इसी तरीके से उड़ते रहते हैं। आखिर जानते हैं यार इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, तो भाई आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम को ठीक करता है, बैक वगैरह में कोई दिक्कत है तो उसको सही करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो अनवांटेड फैट है उसको रिमूव करता है। अगला है धनुरासन जिसको हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगला है स्तूप वज्रासन। तो ये स्तूप वज्रासन इसको स्तूप के पोज में आप लोगों को परफॉर्म करना रहता है, इसे हम लोग रिक्लाइनिंग थंडरबोल्ट पोज के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ इस आसन को यार स्तूप आसन के नाम से भी एक और नाम से जाना जाता है। इस आसन के थ्रू रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हो आप लोग, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम को भी सही कर सकते हैं। अगला है पश्चिमोत्तासन जिसको आप लोगों ने पहले देख चुके हो तो उसको रिपीट नहीं करना है। मतलब देखो एक चीज समझो, ढेर सारे आसन है जो हर किसी के अंदर रिपीटेड है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा। अगला अर्धमत्स्यचंद्रासन भी इसके अंदर आता है जिसको थोड़ी देर पहले पढ़े। अगला अर्धमत्स्यचंद्रासन भी इसके अंदर आता है जिसको थोड़ी देर पहले पढ़े। अगला है मेंढुकासन। मेंढुकासन नाम से समझ में आ रहा है मेंढक पोज आप लोगों को करना है, मतलब क्या फ्रॉग पोज, बहुत ज्यादा आज के टाइम में फेमस आसन है। इसको हाथा योगा के अंदर कंसीडर किया गया है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम को सही करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को सही करता है, साथ में आप लोग की जो लेग्स और थाइस में अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी का इशू है तो उसको बेटर करता है, और एक्स्ट्रा फैट अगर आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी है तो उसको सही करता है। तो इसके बाद जो आप लोग का आसन है जिसका नाम है बहुमुखासन, नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसे टाइप का आसन है जिसको हम लोग काउ पोज भी कहते हैं। इसको परफॉर्म करना थोड़ा सा अजीब है बट इस तरीके से किया जाता है, दोनों हाथों को पीछे इस तरीके से बांध लिया जाएगा। इसके थ्रू आप लोग की जो मसल्स है एंकल की, हिप की, थाइस की, शोल्डर की, ट्राइसेप की, ये सभी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, उन सबको स्ट्रेंथनिंग मिलती है, साथ ही साथ ये लंग्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है उसके फंक्शनिंग के लिए। इसके बाद अगला आसन है जिसका नाम है योगा मुद्रा जिसको हम लोग डीप फॉरवर्ड बैंड भी कहते हैं, कुछ इस तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं। मेंढुकासन का ये कुछ अपग्रेडेड फॉर्म दिख रहा है। इसके थ्रू आप लोग अपनी नेक की मसल को स्ट्रेच कर सकते हो, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स उसको टोन अप कर सकते हो, इसी के साथ साथ ये स्पाइनल कॉलम को भी बेटर करता है। अगला उष्ट्रासन जिसको हम लोगों ने पहले देख चुके वो भी इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। अगला है कपालभाति। कपालभाति वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक है जिसमें कि आपको जिस मुद्रा में आपको बैठकर स्लोली इनहेल करना है, थोड़ी देर वेट करना, फिर एक्सहेल करना, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे। मेडिटेटिव फॉर्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करता है, लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और डाइजेशन के प्रॉब्लम को भी बेटर करता है। अगला जो स्पेसिफिक आप लोग का टॉपिक जिसका नाम है अस्थमा, तो अस्थमा एक ऐसे टाइप का डिसीज है जो कि बड़े पापा ऑफ कोविड-19 है, जिसके अंदर होता है आपका जो एयर वे है जहां से आप सांस लेते हो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, म्यूकस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। ऐसे टाइम में आप लोग को अस्थमा जैसी प्रॉब्लम दिखती है जिसमें शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ आप लोग को दिखाई देती है। आप इसे कितने लोग को अस्थमा है कमेंट बॉक्स में बताना। तो आइए अस्थमा से बचने के लिए या अगर हो चुका है तो उसको सही करने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, तो ताड़ासन आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ी देर पहले जाना है हम लोगों ने। उर्ध्वहस्तासन आप कर सकते हो जो कि ताड़ासन का अपग्रेडेड फॉर्म है। ताड़ासन में हाथ ऐसे रहेंगे, उर्ध्वहस्तासन में देखो हाथ सीधे, क्लियर दोस्त, बाकी सब कुछ सेम। यहां से भी आप लोग के लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, साथ ही साथ आपके ब्लड के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बेटर होता है, बॉडी पोस्चर एनहेंस होता है। उर्ध्वहस्तासन जो है इसको रेज हैंड पोज भी कहा जाता है। अगला है उत्तरमेंढुकासन, इसको एक्चुअल में कहा जाता है स्ट्रेच्ड अप फ्रॉग आसन, और ये कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर जो बेनिफिट मिलता है आप लोगों को वो ये है कि आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग बहुत बेटर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, बैक में अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसका पेन रिलीफ होता है, साथ में एल्बो जॉइंट्स वगैरह जो है उसके एनहेंसमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आसन है। इसके बाद भुजंगासन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है जिसके बारे में हम लोग ने देख चुके हैं। धनुरासन भी और उष्ट्रासन भी, ये सभी के सभी आसन यहाँ अस्थमा के लिए बेनिफिशियल है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अगला है वक्रासन। वक्रासन अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो अर्धमत्स्यचंद्रासन जैसा है जिसमें कि अर्धमत्स्यचंद्रासन में एक पैर इधर मोड़ना था, यहाँ पे पैर को सीधा रखना। इसको एक्चुअल में ट्विस्टेड योगा पोज भी कहते हैं और एक्चुअल में बेनिफिशियल होता है किडनी के लिए, डायबिटीज के लिए, नर्वस सिस्टम को बेटर बनाने के लिए। अगला होता है कपालभाति जिसके बारे में और गौमुखासन जिसके बारे में इससे पहले वाले में देखे जो कि आप लोग का अस्थमा को ठीक करने के लिए भी आता है काम। इसके बाद अर्धमत्स्यचंद्रासन और अलोम विलोम इसके बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ चुके, ये सब भी आप लोग के अस्थमा को ठीक करने के लिए बेनिफिशियल है। तो अगला टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन है बड़े पापा ऑफ टेंशन, मतलब अगर आप लोग देखते हो जो
न्यूज बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी संकीर्णता से एकदम मतलब फूलने लग जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा हाई पीक तक पहुंच जाता है, ऐसा पहुंच जाता है कि हो सकता है उनकी नस तक फट जाए, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम जो रहता है हाइपरटेंशन रहता है। बेसिक लैंग्वेज में कहूँ तो हाई बीपी का जो प्रॉब्लम है वो हाइपरटेंशन रिलेटेड ही होता है। मुझे कॉमेंट बॉक्स बताना कि एक नॉर्मल बीपी क्या होता है और एक हाइपरटेंशन का बीपी क्या होता है, कॉमेंट बॉक्स में इतना तो कर सकते हो। अगला है कि आइए जानते हैं इसको ठीक करने के कौन कौन से आसन देखना है। ताड़ासन और गड़ी चक्रासन इसके अंदर परफॉर्म किए जा सकते हैं जिसके थ्रू हाइपरटेंशन ठीक हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। अगला है उत्तरपादासन, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसे कहा जाता है इंटेंस स्ट्रेच लाइंग ऑन द बैक विद द फेस, देख रहे हैं यूनिक टाइप का आप लोग आसन दिख रहा है जिसमें कि दोनों पैर ऊपर है, दोनों हाथ ऊपर है और मुंडी जो है पीछे की तरफ ऐसे टिकी है, क्लियर मुंडी, वाह क्या बात। एक्चुअल में ये चेस्ट वगैरह की मसल्स को बेटर करने के लिए बेनिफिशियल है, लेग्स की मसल्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, साथ में आप लोग ये इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लेक्सिबिलिटी को बेटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आसन है। अगला आप लोग का है अर्धहलासन, तो अर्धहलासन को जिस तरीके से बचपन में 500 बार किए हम लोगों ने, इसे कहा जाता है एक्चुअल में हाफ प्लग पोज। एक्चुअल में इसके थ्रू आप लोग अपने डाइजेशन को बेटर कर सकते हो, भूख को बढ़ा सकते हो, ब्लड सर्कुलेशन बेटर कर सकते हो, थाइस वगैरह की मसल्स को और ज्यादा बेटर कर सकते हो, काफ्स की मसल्स के साथ साथ, और एब्डोमिनल में अगर कोई एक्सेसिव फैट है तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है। अगला होता है सरल वत्सासन, इसे भी फिश पोज के नाम से ही जाना जाता है, ये भी हाथा योगा के अंदर कंसिडर किया गया है, मॉडर्न योगिक एक्सरसाइज के अंदर कुछ इस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। इसके थ्रू अगर आप लोगों को सर्वाइकल या स्लिप डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो ठीक होता है, मसल्स स्ट्रेच होती है, साथ ही साथ अगर स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो ठीक होता है, साथ में लेग्स और हिप्स के लिए भी बेनिफिशियल है। अगला गौमुख आसन है जो इसके अंदर कंसिडर हो रहा है, जिसको पहले पढ़े तो ये भी बेनिफिशियल है हाइपरटेंशन के लिए। इसके बाद है उत्तर मेंढुकासन, वक्रासन, भुजंगासन, ये सभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं, सभी के सभी हाइपरटेंशन के लिए भी बेनिफिशियल है। अगला होता है मकरासन, जो मकरासन को बहुत एकदम मतलब किसी को आप देख रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हो, तो भाई ये बहुत ही बेनिफिशियल आसन है जिसे क्रोकोडाइल पोज के नाम से जाना था। इसके थ्रू अगर आप लोगों को सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो सही हो सकता है, लेग्स और हिप में कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो सही होता है। इसके अलावा अगला है शवासन, जो काफी सारे लोगों का फेवरेट होगा, जिसमें कुछ नहीं करना, लेट जाना, इस तरीके से ये शवासन को कहा जाता है। पॉर्पस पोज या मित्रासन, यहाँ का योगा के अंदर मतलब बॉडी में योगिक एक्सरसाइज के अंदर कंसिडर इसको किया गया है और ये योगिक निद्रा का पोर्शन भी है। इससे जो आप लोग पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, मेडिटेटिव फॉर्म में आप चल जाते हो, आप लोग को एकदम ऐसा लगता है कि वाह अभी मैं जन्म लिख रहा है, और आप लोग के मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। अगला है सिताली प्राणायाम, जिसमें कुछ सिंपल प्राणायाम है लेकिन आप लोग देख रहे हो आपकी जो टंग है इस तरीके से मोड़ लेना है तब ये परफॉर्म किया जाता है। सिताली प्राणायाम को एक्चुअल में कूलिंग ब्रीथ भी कहते हैं। एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर जैसे फीवर वगैरह आ गया तो उस टाइम पे टेम्परेचर को डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, अगर आपको बहुत ज्यादा हंगर वगैरह है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद अगला है कपालभाति, जिसको हम लोग इससे पहले देख चुके हैं और ये भी हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए करा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का बैक पेन। बैक पेन एक ऐसे टाइप की फिजिकल डिस्कम्फर्ट है जब आप लोग बहुत दिनों से चेयर में बैठे हुए कंटिन्यूसली बैठे जा रहे हैं, तो इस वजह से जो आपका लोअर बैक है वहां पे प्रेशर डेवलप होने लग जाता है, जिसकी वजह से एक सीवियर बैक पेन आप लोग को देखने को मिल जाता है। ये सीवियर बैक पेन इतना ज्यादा सच में सीवियर होता है कि आप लोग को उठने बैठने चलने में बहुत तकलीफें होने लग जाती है, और कई बार तो ऐसी प्रॉब्लम आती है बैक पेन आगे जाके अर्थराइटिस बन जाता है। अर्थराइटिस में होता क्या, बेसिकली जो जॉइंट्स है वो अपनी जगह छोड़ के इधर उधर खसक जाते हैं, उसको हम लोग अर्थराइटिस कहते हैं। तो मेजर कॉज क्या है, ज्यादा देर तक एक लंबे वक्त में आप लोग अनकंफर्टेबल चेयर में बैठे रहते हो तब आप लोग को ये देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जितने भी आसन आप लोग को देखने को मिलने वाले न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें से मैक्सिमम आसन सब कुछ अभी हम लोगों ने रिपीटेड फॉर्म में पढ़ लिया, इसमें एक्स्ट्रा जो है वो दो आसन ये है अर्ध चक्रासन, जिसमें आप लोग देखो इस तरीके से हाफ चक्रासन के पोस्चर में आ रहे हो, और इसे हम लोग हाफ व्हील पोस्चर भी कहते हैं। इसके थ्रू आप लोग की लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ब्लड सर्कुलेशन आप लोग का बेटर होता है, शुगर लेवल कंट्रोल होता है, ऑब्वियसली बात है बैक पेन के अंदर तो उसको रिड्यूस करता है, और शोल्डर का पेन को भी रिड्यूस करता है। वज्रासन की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग बेसिक योगिक पोस्चर के नाम से जानते हैं और ये मेडिटेटिव फॉर्म के आसन के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अंदर माइंड काम डाउन होता है, बैक पेन जो है वो रिड्यूस होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे एक्टिवेटेड होते हैं, नीज वगैरह में अगर कोई दिक्कत है, एंकल में कोई दिक्कत है तो उसको ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है और डाइजेशन को इंप्रूव करता है। तो यहाँ तक कितना टॉपिक आया, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से वीडियो और आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि आगे आप लोग क्या पढ़ने वाले, वही चीजें पढ़ने वाले जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए रहने वाली है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आप लोग का निकल के आता है उसका नाम है स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक को कैनेडा ने स्टार्ट करी थी 1968 में। इसका मेन पर्पस ये था कि जितने भी दुनिया के अंदर ऐसे डिसेबल लोग हैं अपनी जिंदगी में स्पोर्ट्स में स्पेशली कुछ करना चाहते तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल टाइप का ओलंपिक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा गया था, जिसमें दुनिया भर के जितने भी डिसेबल लोग हैं वो लोग आगे पार्टिसिपेट कर सके और अपने हुनर को दिखा सके। इसके हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो ये वाशिंगटन डीसी में, इसके मोटो की बात करी जाए तो इसको कहा जाता है लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी बी द ब्रेव इन दिस अटेम्प्ट। इसकी गवर्निंग बॉडी आप लोगों को स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल के फॉर्म में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा स्पेशल ओलंपिक के लोगों को याद रखिएगा आप लोग, इसका जो मीनिंग होता है वो स्पेसिफिकली होता है जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, और स्पेशल ओलंपिक की फ्लेम को कहा जाता है फ्लेम ऑफ होप। इसके अंदर आप लोग को वो सारे स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो ओलंपिक में होते हैं, और बस इसमें रूल एंड रेगुलेशन डिसेबल लोगों के अकॉर्डिंग चेंज रहते हैं। फर्स्ट टाइम ये शिकार
शिकागो में हुआ था 1968 में और रिसेंटली 2023 में बर्लिन में देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट होता है पैरा ओलंपिक। याद रखिएगा ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, वो भी एक इंटरनेशनल फॉर्म का, जिसको हम लोग ओलंपिक के जैसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये ओलंपिक लेवल का टूर्नामेंट है डिसेबल लोगों के लिए। इसके अंदर आप लोग को दुनिया भर के सारे डिसेबल पर्सन लोग पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल सकते हैं और बेसिकली दो वेरिएशन में आप लोग को देखने को मिलता है, समर और विंटर फॉर्म में। इसके मोटो की बात करी जाए तो इसको कहा जाता है स्पिरिट एंड मोशन। गवर्निंग बॉडी की बात करी जाए तो ये होती है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी और इसका हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो बोन जर्मनी में आप लोग को देखने को मिलने वाला है। इन सबके अलावा पैरा ओलंपिक के लोगों की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके के 3 एजिटोस आप लोग को देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे से लिंक है। ये बताते हैं कि दुनिया भर के जितने भी डिसेबल लोग हैं सभी आके पार्टिसिपेट करें, कंपीट करें और अपने हुनर को दिखाएं। इसके अंदर आप लोग को वेरियस फॉर्म की कैटेगरी देखने को मिलती है बट मेनली यहाँ पे आप लोग को 6 टाइप की डिसेबल कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है। सबसे पहला होता है सर्वल पैलसी, दूसरा होता है एम्ब्यूटी, तीसरा होता है विजुअल इंपेयरमेंट, फिर होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी वाले लोग और जितने भी इसके अलावा जितने भी और डिसेबल लोग बच गए वो सभी के सभी लेस एस्ट्रस के अंदर आप लोग को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो वो सारे स्पोर्ट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे जो सिंपल ओलंपिक में होते हैं, बस यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन डिसेबल लोगों के अकॉर्डिंग चेंज रहते हैं। फर्स्ट टाइम आप लोग को रोम में देखने को मिला था 1960 में और रिसेंटली आप लोग को चाइना में होते हुए देखने को मिला है और अब कब होने वाला है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। इसके बाद नेक्स्ट होता है डेफ ओलंपिक। डेफ ओलंपिक एक ऐसे टाइप का इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ डेफ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। डेफ लोग मतलब जिनको सुनाई नहीं देता, क्योंकि इन लोगों के लिए पूरे रूल एंड रेगुलेशन अलग रहते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे टाइप के डिसेबल लोगों के लिए। जैसे गनशॉट की जगह यहाँ पे लाइट यूज किया जाता है, लोगों को क्लैप करने की जगह यहाँ पे वेव करना रहता है सो दैट वो उनको मोटिवेट कर सके। इसके अलावा इसका मोटो की बात करी जाए तो पैर लूडोस इक्वेलिटस होता है, मतलब इक्वेलिटी थ्रू द स्पोर्ट्स एंड स्टिकिंग टू द आइडियाज ऑफ ओलंपिक। इसके अलावा अगर इसके लोगों की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके से आप लोग को लोगो देखने को मिलते हैं। इसमें आप लोग को रेड ग्रीन येलो और साथ ही साथ ब्लू कलर देखने को मिलता है जो डिफरेंट डिफरेंट रीजनल कॉन्फेडरेशन को डिनोट करते हैं, ना कि कॉन्टिनेंट को, बल्कि मत करना। सबसे पहले यहाँ पे यूरोप, एशिया पैसिफिक, पैन अमेरिका और अफ्रीका को यहाँ पे डिनोशन दिया गया और ये सभी यूनाइट हो रहे हैं। ये बता रहे हैं स्ट्रॉन्ग एलिमेंट दैट साइन लैंग्वेज डेफ इंटरनेशनल कल्चर एंड द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी। बेसिकली इसमें बीच में आप लोग एक सर्कल देखने को मिल रहा है, ये डेफ लोगों के लिए आंखों की तरह डिनोट किया गया क्योंकि जितने भी डेफ लोग हैं उनकी जिंदगी में जो भी वो सीखते हैं वो अपनी आंखों से सीखते हैं, आईज से सीखते हैं। तो बेसिकली मेन पर्पस क्या था कि यार जितने भी डेफ लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब पार्टिसिपेट करें तो कोई ना कोई एलिजिबल क्राइटेरिया होगा तो जितने भी मिनिमम से मिनिमम 55 डेसिबल के लोग हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन के टाइम में किसी भी टाइप की कोई मशीन यहाँ पे यूज नहीं करना है जिससे कि डेफ लोगों के लिए एनहांसमेंट हो सके। जितने भी स्पोर्ट्स यहाँ पे एक्टिविटी होते हैं वो सभी ओलंपिक जैसे होते हैं, बस रूल एंड रेगुलेशन डेफ लोगों के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट टाइम याद रखिएगा 1924 में फ्रांस में देखने को मिला था और हाल ही में ब्राजील में हुआ है 2022 में, बट लेटेस्ट में कब हुआ है कमेंट बॉक्स में मुझे जरा गूगल करके अभी बताएं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स, किस तरीके से यहाँ पे कैटेगरीज बनाई जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इवॉल्व करा गया है क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग का, जिसके थ्रू डिसेबल स्पोर्ट्स पर्सन अपने कैटेगरी के लोग के साथ खेल सके और उन सब लोगों के साथ यहाँ पे इक्वालिटी हो। ऐसा ना हो कि यार कोई दूसरी कैटेगरी के बंदे को दूसरी कैटेगरी के साथ खिला दे, वहाँ पे आप लोगों को इक्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो याद रखिए क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है पैरालंपिक में असिस्ट किया गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी वाले उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग खिलाया जा सके। अब ये कौन डिसाइड करता है, तो ये पैरालंपिक कमेटी डिसाइड करती है, एकदम फेयर होती है, जिसके थ्रू यार कोई ये ना बोल सके कि हमारे साथ यहाँ पे अन्याय हुआ। तो पहले स्टेप में आप लोग को मेडिकल असेसमेंट देखने को मिलता है, सेकंड स्टेप में आप लोग को फंक्शनल असेसमेंट आप लोग को देखने को मिलता है जहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन को ऑब्जर्व किया जाता है उसकी ट्रेनिंग और साथ ही साथ उसके कॉम्पिटिशन के टाइम। ढेर सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस के लिए सो दैट एक बेटर फेयर चांस सभी इक्वल पर्सन को दिया जा सके। एलिजिबल इंपेयरमेंट कौन कौन से, तो ये सारे के सारे आप लोग को एलिजिबल इंपेयरमेंट देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन प्रोसेस की बात करें जाए स्पेशल ओलंपिक के अंदर, तो यहाँ पे भी आप लोग को डिविजनिंग का कॉन्सेप्ट लिखाया गया है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एथलीट कम्पीट कर सकते हैं अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ। याद रखिए क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग कंपेरिजन करें स्पेशल ओलंपिक और पैरालंपिक में, तो स्पेशल ओलंपिक में हमेशा याद रखिएगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एथलीट है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और उसमें जो प्रोसेस होती है डिविजनिंग की वो आप लोग एज, जेंडर और एबिलिटी को ऑब्जर्व करते हुए देखते हो। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग इंक्लूजन, तो इंक्लूजन एक किस्म से ना एजुकेशनल प्रैक्टिस होती है। इस कॉन्सेप्ट को ये बताया गया कि यार डिसेबल लोगों के लिए अलग से स्कूल मत बनाया जाए, हम उनको नॉर्मल लोगों के साथ ही स्कूल्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन दे सके, घुलने मिलने का मौका दे सके सो दैट कभी भी नॉर्मल पर्सन लोगों के दिमाग में डिसेबल लोगों के लिए एक अलग से धारणा ना हो, उनको ये ना लगे कि ये दुनिया से अलग लोग हैं। और जितने भी डिसेबल लोग हैं जो नॉर्मल लोगों के साथ बात करने में कतराते थे, लेकिन अगर उनको इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाएगी तो वो कभी भी कतराएंगे नहीं और अपने आप को दुनिया से अलग नहीं मानेंगे। इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, सोसाइटी को बेटर करना पड़ेगा, एनवायरमेंट अच्छा करना पड़ेगा, जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों को खास ख्याल रखना पड़ेगा उन डिसेबल लोगों का जो नॉर्मल लोगों के साथ पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो है स्ट्रेटजी टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर CWS। सबसे पहले आप लोगों का मेडिकल चेकअप करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आगे प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे उससे उभरा जा सके। इसके अलावा अगला होता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, अगर कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है जिससे कि फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए एसेसिबल हो पा रही तो उस चीजों को यहाँ पे लाने की कोशिश किया जा सके और उससे उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग का एनवायरमेंट बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा वो एक्टिविटीज उनके साथ परफॉर्म करवाना चाहिए जिसमें वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि चिल्ड्रन प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट टू टेकन इनटू द कंसीडरेशन। और अगर कोई स्पेशल इक्विपमेंट लग रहे हैं जिसके थ्रू उनका फिजिकल एक्टिविटीज के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही तो उसको भी एनहांसमेंट करना जरूरी है। अगला है कि यार क्या एडवांटेज होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज अगर हम लोग CWS के लोगों कराएं, तो सीधी सिंपल बात है स्ट्रेस और डिप्रेशन यहाँ से दूर होगा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, साथ ही साथ काफी सारे कॉग्निटिव बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फन एक्टिविटीज होती है जिससे कि उनका मूड रिफ्रेश होता है, साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस
फिटनेस उनकी बढ़ेगी, हेल्थ की क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बेटर होने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जितने भी टाइप की डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ डिजीजेस है उससे वो दूर रह सकते हैं। तो ये था आप लोग का चैप्टर, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। इसके अलावा चलिए स्टार्ट करते हैं 7 मिनट की सीरीज में, जिसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले यूनिट नंबर 5 को, जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसके अंदर हम लोग ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें सबसे पहला टॉपिक निकल गया था बैलेंस डाइट क्या होता है, ऐसे टाइप की डाइट जिसके अंदर आप लोग सारे फूड ग्रुप जो कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन मिनरल्स और वाटर को अगर करेक्ट प्रोपोर्शन में कंज्यूम करोगे तो उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। न्यूट्रिशन क्या होता है गाइस, तो फूड का मतलब ये जिंदा रहने के लिए जो आप लोग खा रहे हो वो फूड है, और न्यूट्रिशन का मतलब ये कि आप लोग अपनी बॉडी को नरिश और हेल्दी रखने के लिए जो कंज्यूम कर रहे हो उसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसका मतलब होता है कि जो आप डाइट में लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर आप लोग को देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट, जो एक्चुअल में आपको एनर्जी देने का काम करता है, डाइजेशन में बेनिफिशियल होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये स्वाद में मीठा होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है और वाटर सॉल्युबल का होता है। इसके एग्जांपल के तौर पे आप लोग शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज का नाम दे सकते हो। सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आता है जो कि क्रिस्टलाइन नेचर का नहीं है, स्वाद में मीठा नहीं है और याद रखिएगा वाटर सॉल्युबल भी नहीं होता है। इसको हम लोग एग्जांपल में दे सकते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का मैक्रो न्यूट्रिएंट, इसका नाम है प्रोटीन। ये आप लोग की बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करता है, आपकी मसल्स को डेवलप करता है, नेल्स और हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने केजी के आप हो उतना ग्राम सफिशिएंट आप लोग को प्रोटीन डेली कंज्यूम करना जरूरी है। नेक्स्ट है आप लोग का फैट, जो कि आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, आपकी बॉडी को गर्म रखता है। इसके अलावा हार्मोन की प्रोडक्शन में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बॉडी के अंदर लुब्रिकेंट बनाने की कोशिश करता है। तो सैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, अनसैचुरेटेड जो रहता है ये लोअर डाउन या नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। अगली बात करी जाए वाटर की, तो वाटर आप लोग की बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को एक एक कोने तक ले जाने का काम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन आप लोग की होती है उन सब में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना पानी की जिंदगी तो संभव है ही नहीं। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करी जाए तो आपकी डाइट के अंदर जो आप लोग स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो वो आप लोग का है माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसमें सबसे पहले होता है मिनरल, जो आपकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के होते हैं मैक्रो माइक्रो। इसके अंदर कौन कौन होता है एग्जाम में पूछा जाता है, तो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस ये मैक्रो मिनरल के अंदर आते हैं। आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट ये सभी के सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आप लोग को देखने को मिलते हैं। विटामिन की बात करी जाए तो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने का काम करते हैं, डिसीजेस से बचाते हैं। तो इसमें आप लोग को दो टाइप के देखने को मिलेंगे, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। तो याद रखिएगा विटामिन आप लोग को पढ़ना है ए बी सी डी ई और के। इसमें बीसी किसी को रोड में चलते हुए बोल लोगे तो वो शर्म के हमारे पानी पानी हो जाएगा, तो वाटर सॉल्युबल बीसी है, बाकी बचे फैट सॉल्युबल। इसके अलावा एग्जामिनेशन में विटामिन के नाम पूछे जाते हैं, तो स्पेशली आप लोग विटामिन ए का नाम याद रखना, रेटिनॉल, इसकी डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस हो सकता है। विटामिन बी1 थायमिन होता है जिसकी डेफिशिएंसी से बेरीबेरी हो जाता है। विटामिन बी3 जिसका नाम नाइसिन, नियासिन जो भी होता है उसकी डेफिशिएंसी से आप लोग को पेलेग्रा देखने को मिलता है। विटामिन बी6 जो है इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। बी7 का नाम बायोटिन है, याद रखिएगा, इसकी डेफिशिएंसी से डर्मेटाइटिस होता है। B9 जिसका नाम फॉलिक एसिड है, इसका नाम याद रखिएगा बस। विटामिन B12 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, हर इंडियंस के अंदर इसकी डेफिशिएंसी आप लोग को देखने को मिलेगी। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्क्रोबिक एसिड एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी डेफिशिएंसी से स्क्रवी होता है। और विटामिन डी इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है भले ही, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि रैकेट या रिकेट होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिक्स लगा दिया, इनको याद करके जान जाना है, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक उसका नाम है न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो न्यूट्रिटिव वो होते हैं जिसको कंज्यूम करके आप लोगों को किसी भी टाइप की कैलोरी मिल रही है, जैसे कि मैक्रो माइक्रो के अंदर वाटर को छोड़ के बाकी सभी के सभी जो है ना वो सभी के सभी आप लोग के आते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के अंदर, वो सेम टॉपिक है जो अभी पढ़े। और नॉन न्यूट्रिटिव वो जिसको आप लोग कंज्यूम करके किसी भी टाइप का न्यूट्रिटिव वैल्यू या मैं कह सकता हूं कैलोरी नहीं मिलती है, बट वो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर आप लोग को बेसिकली देखने को मिलता है, सबसे पहले वो होता है फाइबर या रफेज, या आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग की बॉडी को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से बचाता है। और इसके अलावा ना वाटर भी नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर आता है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला होता है कलर कंपाउंड, जो आप लोग के खाने को अट्रैक्टिव बनाने का काम करता है। फ्लेवर्ड कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक फ्रूट का या किसी भी चीज का फ्लेवर बनाने का काम करता है और कुछ भी नहीं है, मतलब मैं कह सकता हूँ टेस्ट लाने का काम करता है। प्लांट कंपाउंड जिसमें कि आप लोग हो गया टी हो गई, कॉफी हो गई, इस तरीके के कंपाउंड प्लांट कंपाउंड के अंदर आएंगे, जिसमें आप लोगों को कोई कैलोरिक वैल्यू देखने को नहीं मिलती है। तो ये सभी के सभी आप लोग के नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के अंदर आते हैं। अगला टॉपिक है हेल्दी वेट। हेल्दी वेट क्या होता है, ऐसे टाइप का वेट जिसमें आप लोग की बॉडी सारी दुनिया के डिजीजेस से बची हुई रहती है। हेल्दी वेट तब अचीव किया जा सकता है जब आप लोग रेगुलर बैलेंस डाइट कंज्यूम करते हो। तो हेल्दी वेट को डिफाइन करना, तो याद रखिएगा 19 से 25 के बीच में BMI अगर आपका आता है तो हेल्दी वेट के अंदर आप लोग कंसीडर किए जाते हो। BMI का फॉर्मुला याद होना चाहिए, एग्जाम में आता है। और ये BMI के चार्ट के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो कौन अंडरवेट में, हेल्दी वेट में, ओवरवेट में, ओबेसिटी के अंदर है, क्या है, कैसे आप हेल्दी रह सकते हो प्रॉपर वे में। अगर आप लोग गोल सेट करोगे, रोज फैटी फूड अवॉइड करोगे, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, प्रॉपर वे में कैलोरी को कंज्यूम करोगे, तो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग का मतलब ये कि जब भी आप लोग कार्विंग करने लग जाते हो, भूखे रहने लग जाते हो, मील्स को स्किप करने लग जाते हो, उस वजह से आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लग जाता है, आप बीमार हो सकते हो, जिस वजह से आप दुबले तो हो जाओगे लेकिन एकदम कमजोर टाइप दिखोगे। तो ये पिटफॉल ऑफ डाइटिंग के अंदर आता है। फूड इंटॉलरेंस काफी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोग कुछ खाना कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें आप लोग को वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया और वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ गई, ये तब होता है जब
आप लोग की बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी हो जाती है, सिम्टम के तौर पे पेट दर्द करना, वॉमिटिंग होना, हेडेक होना, ये देखना मिलता है। फूड मिथ की बात करी जाए तो इंडिया में से ढेर सारे मिथ है, जैसे कि पोटैटो खाने के बाद फैट मिलता है, ऐसा नहीं है। पोटैटो के अंदर तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा नहीं है। अंडे के अंदर प्रोटीन होता है। पानी पीने से आप लोग की बॉडी के अंदर फैट आ सकता है, जबकि पानी नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट हो तो फैट कहां से आएगा। और ये दूध पीने के बाद मछली नहीं खाना चाहिए, मछली के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, इसके ऊपर साइंटिफिक प्रूवन नहीं है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपके मोहल्ले गली में कौन कौन से गलत गलत झूठ वाले मिथ चल रहे हैं जो आप और आपकी फैमिली अभी भी मान रही है। अगला टॉपिक है कि यार स्पोर्ट्स की फील्ड में डाइट का इंपॉर्टेंस है। हाँ जी, हर एथलीट की जिंदगी में डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वो उसको हेल्दी बनाता है कि वो टूर्नामेंट में खेलने लायक बन सके। तो कॉम्पिटिशन से पहले ध्यान रखना है कि आप लोग को एक ऐसी डाइट कंज्यूम करके जाना है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, जिसके थ्रू आप लोग इंस्टेंट एनर्जी मिल सके, और ढेर सारा पानी शानी और इलेक्ट्रोलाइट पीकर जाना है जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रह सके। मैच के दौरान आप लोग को कोशिश करना है कि आप लोग एक आध केला कंज्यूम कर सकते हो, जिससे कि आप लोग को कार्बोहाइड्रेट मिल जाए इंस्टेंट एनर्जी के साथ, और साथ ही साथ आप लोग को बॉडी को हाइड्रेट रखने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जब आप लोग का मैच खत्म हो जाता है उसके बाद आपकी बॉडी फैटीग हो जाती है, तो उस टाइम पे आप लोग को ब्लेंड टाइप की डाइट कंज्यूम करना चाहिए जिसमें कि आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों हो, जिसके थ्रू एनर्जी भी मिले हल्की फुल्की और साथ ही साथ मसल रिकवरी हो सके प्रोटीन के थ्रू। और ढेर सारा पानी या इलेक्ट्रोल घोल कर पीना जरूरी है, जिससे कि जो इम्बेलेंसमेंट हुआ है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो सही हो सके। तो ये था आप लोग का चैप्टर। आई होप आप लोग को सारी चीजें कंप्लीटली समझ में आई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, जो रहने वाला है यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। कॉन्टेक्स्ट में हम लोग वही सब चीजें पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली है। सबसे पहला टॉपिक है फिटनेस टेस्ट। इसमें आप लोग को साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट देखने को मिलेंगे। साई के हिसाब से ऐसा माना गया है कि अलग अलग लोगों के लिए फिटनेस लेवल चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है उनकी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे दो तरीके के ग्रुप बनाए गए। एक बनाए गए क्लास 1 से लेकर 3rd ईयर, मैं कह सकता हूँ 5 साल से 8 साल के बच्चों के लिए, उनके मूवमेंट स्किल को पता करने के लिए। तो छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे छोटे फॉर्म के टेस्ट हो रहे। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले उनका बॉडी मास इंडेक्स पता करा जाएगा। पहले पता करना है कि वो मोटे दुबले किस तरीके से कौन सी कैटेगरी के अंदर। तो बीएमआई के इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर लाए करते हैं। इसके अलावा अगला आप लोग को टेस्ट देखने को मिलेगा, जिसका नाम है प्लेट टेपिंग मेथड। इसके थ्रू आप लोग को करना क्या रहता है, यहाँ पे 2 सर्कुलर डिस्क आप लोग को रखना है, बीच में आपको हाथ रखना है और हाथ को इस तरीके से टैप करते हुए 25 फुल साइकिल या 50 बार टैप करते हुए चलना है, जिससे कि आप लोग उनके लिम्स के कोऑर्डिनेशन और साथ ही साथ स्पीड को पता कर सकते हो छोटे बच्चों के अंदर। इसके अलावा आप लोग को ना एक और टेस्ट यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि जिसके थ्रू आप लोग बैलेंस को पता कर सकते हो, वो है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। तो यहाँ पे एक सिंगल पैर पे आप लोग को खड़े रहना है और 60 सेकंड तक खड़े रहना पड़ता है। 30 सेकंड से कम में अगर आप 15 बार गिर जाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और जो ज्यादा देर तक के सस्टेन कर पाते मान लिया जाता है कि उनके अंदर यार बैलेंस बेटर है। अगला आप लोग के एज ग्रुप होते हैं 9 साल से 18 साल या क्लास 4 से लेकर 12 के बच्चों के लिए। तो इनपे भी आप लोग को बॉडी कंपोजिशन तो पता करना ही है बीएमआई के अकॉर्डिंग, जैसे छोटे बच्चों के लिए करें। इसके बाद बड़े बच्चों के लिए 50 मिनट का स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट होता है, जिसमें आप लोग स्पीड को मेजर करते हो। कम टाइम के अंदर जितना ज्यादा हो सके 50 मीटर पे आप लोग को दौड़ना है, उसकी स्पीड वहां से मेजर कर ली जाती है, पता किया जाता है कि हाँ भैया ये तेजी से दौड़ता है। इसके अलावा 600 मीटर का टेस्ट होता है, जिसमें आप लोग को एक स्पेसिफिक स्पीड को मेंटेन करते हुए लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना है, जिससे आप लोग का एंड्योरेंस लेवल यहां से पता हो पाता है। इसके अलावा सिट एंड रीच टेस्ट आप लोग का होता है, जिससे तो आप लोग अपनी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को यहां पे पता कर पाते हो। सिट एंड रीच नाम का एक बेंच होता है, उस पर आप लोग को बैठना रहता है, घुटने को एकदम सीधे रखने पड़ते हैं और झटके से आगे नहीं जाना पड़ता, जितना आप लोग खुद से आगे जा सकते हो उतनी कोशिश करना है, और स्केल में मेजर कर लिया जाती है आप लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी को। इसके अलावा अगला होता है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, जिसके थ्रू आप लोग एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को पता करते हो। उसमें आप लोग को इस तरीके से एब्स की एक्सरसाइज के फॉर्म में आप लोगों को करना है, 3 सेकंड के अंदर ये पूरा फॉर्म होगा, मतलब 1.5 सेकंड में आपको ऊपर आना है, 1.5 सेकंड में नीचे आना है। ये टेस्ट तब तक के करना पड़ता है जब तक कि आप लोग एग्जॉस्ट ना हो जाओ, फिर उसके बाद मान लिया जाता है। जितने आपने पार्शियल कर्ल अप टेस्ट करे उतना ज्यादा आप लोग के एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ मेजर की जाती है। पुशअप टेस्ट में आप लोग की अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, जितने ज्यादा पुशअप्स लगाओगे उतना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ मेजर करी जाएगी। लड़के और लड़कियों में डिफरेंस ये है कि लड़कियों को घुटने टेक कर पुशअप्स करने रहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। इसके अंदर आप लोगों को एक मात्र ऐसा टेस्ट देखने को मिलेगा जो आप लोगों की हार्ट और लंग्स की हेल्थ को पता करता है, इसका नाम है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। यहाँ पे एक बेंच लगता है जिसकी हाइट होनी चाहिए 50.8 सेंटीमीटर के आसपास। यहाँ पे आप लोग को बस खड़े होना है, उतरना है, खड़े होना है, उतरना है, खड़े होना है, उतरना है, इसको 5 मिनट तक के आप लोग को करना है। टेस्ट खत्म होने के बाद 1 से 1.5 मिनट के बीच में एक बार आप लोग की हार्ट बीट चेक करी जाएगी, फिर 2 से 2.5 मिनट के बीच में हार्ट बीट चेक होगी, फिर 3 से 3.5 मिनट के अंदर आप लोग की हार्ट बीट मेजर की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग का इंडेक्स फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू को निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग का बीएमआर। बीएमआर का मतलब ये होता है कि जिंदा रहने के लिए जो आप लोग को सफिशियंट अमाउंट की कैलोरी की जरूरत पड़ती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सांस लेने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए, वो जो आप लोग की नंबर ऑफ कैलोरी आपको कंज्यूम करना है डेली लाइफ के लिए, उसको कहते हैं बीएमआर। अगर किसी को लीन बॉडी मसल बनाना है तो उसका बीएमआर उसको बेटर करना पड़ेगा, और बीएमआर निकालने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूले होते हैं मेन और वुमेन के लिए, इसको याद करना जरूरी है। अगला जो आप लोग का टेस्ट है इसका नाम है रिक्लियन जॉन टेस्ट। ये सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करे गए, उन लोग की हेल्थ और बॉडी कंडीशनिंग को ध्यान रखते हुए। सबसे पहले जो टेस्ट होता है इसका नाम है चेयर स्टैंड टेस्ट। उनको हाथों को इस तरीके से फोल्ड करना है, उठना है, बैठना है, उठना है, बैठना है, ये कंटिन्यूअसली
30 सेकंड तक के करना है, जितना वो लोग कर लेंगे उसको स्कोर को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और इस चार्ट के थ्रू यहाँ पे उनका मतलब एवरेज स्कोर है, बिलो एवरेज में आ रहे हैं फिर अबव एवरेज में आ रहे हैं उसको पता कर लिया जाता है। आर्म कर्लअप टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप लोग अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। डंबल को हाथ में उठाना है, लड़कियों के लिए 5 पाउंड का डंबल, लड़कों के लिए 8 पाउंड का डंबल, और उनको यहाँ पे बाइसेप कर्ल्स वाली एक्सरसाइज करना है। कब तक करना है? 30 सेकंड तक के, जितने भी वो मैक्सिमम वैल्यू कर लेंगे उसको यहाँ टेबल से देखकर स्कोरिंग कर दी जाएगी। चेयर सिट एंड रेस्ट टेस्ट में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेजर की जाती है लोअर बैक की, जैसे वहां पे सिट एंड रेस्ट टेस्ट में होता है ना, यहाँ पे उनको चेयर में इस तरीके से बैठाना है जितना ज्यादा हो सके वो उनके पैरों को टच कर सकते हैं, वहां तक के करवाना, नहीं कर पा रहे उसकी वैल्यू को मेजर करना है, उसकी वैल्यू को मेजर करने के बाद टेबल पे चेकआउट करना है और फिर यहाँ पे पता कर लिया जाएगा कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी किस लेवल की है। बैक स्क्रैच टेस्ट में हम लोग अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को पता करते हैं, स्पेशली शोल्डर और अपर बॉडी की। यहाँ पे हम लोग को करना क्या रहता है, गोमुखासन जैसी पोस्चर में आना रहता है, जितना हो सके हाथों को टच कराने की कोशिश करना है, टच हो गया तो अच्छी बात, नहीं हो पाया तो यहाँ पे टेप से मेजर कर लिया जाएगा और टेप से मेजर करने के बाद टेबल के अकॉर्डिंग पता कर लेंगे स्कोरिंग उनकी क्या आ रही है, क्या वो बिलो में है, एवरेज में है, फिर अबव एवरेज है। 6 मिनट वॉक टेस्ट है, आप लोग को यहाँ पे 6 मिनट तक के 50 यार्ड तक चलना है, 20 मीटर ऐसे, फिर 5 यार्ड ऐसे, फिर 20 यार्ड ऐसे, फिर 5 यार्ड ऐसे, इस बीच में उन लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है और कंटिन्यूअसली चलते हुए चलना है, अगर बीच में वो थक जाए तो रुक सकते हैं फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये 6 मिनट के अंदर करना रहता है। बेसिकली इसका पर्पस होता है उनकी एंड्योरेंस लेवल को पता करना गाइस, और जो भी स्कोर आता है उसको यहाँ पे मेजर कर लिया जाता है जितना डिस्टेंस वो कवर अप करते हैं पूरे के पूरे 40 यार्ड के थ्रू। इसके बाद अगला होता है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, इसमें करना क्या रहता है, चेयर यहाँ पे आप लोग की रखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 8 फुट का डिस्टेंस रहता है, कोन यहाँ रख देते हैं, उन लोग को यहाँ से फुर्ती से उठना है, घूम के वापस बैठ जाना। अब आप लोग भी इसे पता क्या कर रहे हैं, इसे एजिलिटी और स्पीड आप लोग की पता होती है और साथ ही साथ क्या वो डिसबैलेंस तो नहीं हो रही ये भी पता होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बुजुर्ग लोगों के लिए, और जो वैल्यू आती है उसको टेबल के अकॉर्डिंग निकाल लिया जाता है। याद रखना है जो टेबल से इसको याद करना जरूरी नहीं है, ये सब बुक में दिए रहते हैं, बस आप लोग को यहाँ लिख देना है कि टेबल के अकॉर्डिंग उनकी रीडिंग कैलकुलेट कर ली जाएगी, खत्म। आखिरी टेस्ट जो नया सिलेबस में एड ऑन हुआ है, जॉनसन टेस्ट फॉर मोटर एजुकेबिलिटी, तो आइए इसको जानते हैं ये क्या है। तो बेसिकली ना ये टेस्ट लाया गया है फिजिकल फिटनेस पता करने के लिए एथलीट की, स्पेशली उनकी स्ट्रेंथ एजिलिटी स्पीड को मेजर करने के लिए, इनडायरेक्टली आप लोग इससे न्यूरोमस्कुलर फिटनेस को भी पता कर सकते हो। इसमें आप लोग को 4 मोटर स्टंट करने रहते हैं, सबसे पहले आप लोग को फ्रंट रोल करना है, फिर बैक रोल करना रहता है, फिर हाफ जंप करना रहता है, फिर फुल टर्निंग जंप करना रहता है। इसमें आप लोग को एक ट्रैक दिया जाता है जो 50x2 फिट का देखने को मिलता है और बीच बीच में इस तरीके से आप लोग को मार्किंग कर दी जाती है। जब आप फ्रंट रोल करते हो तो एक जगह को छोड़ के आपको यहाँ डायरेक्ट जाना पड़ता है, जब बैक रोल करते हो तो सेम बीच वाले को छोड़ के आप लोग को आगे बढ़ना रहता है। हाफ टर्निंग जंप में आप लोग को सीधे खड़े होकर एक बार पूरा घूमना पड़ता है, हाफ जंप में आप लोग को यहाँ खड़े होकर एक बार ऐसा जंप करना रहता है, और फुल जंप के लिए आप लोग को पूरा टर्न होकर ऐसा आगे आना रहता है। फ्रंट और बैक रोल में अगर आप लोग सही करोगे तो 5 पॉइंट मिलेंगे, मैक्सिमम 10 पॉइंट मिल सकते हैं, अगर आप गलत करोगे तो 1 पॉइंट आप लोग के डिडक्ट हो जाते हैं। हाफ टर्न और फुल टर्न के अंदर आप लोग को 2 पॉइंट यहाँ पे डिडक्ट हो सकते हैं अगर आप गलत करोगे तो, और अगर आप लोगों ने 4 सही तरीके से टर्न कर लिए तो 10 पॉइंट आप लोग को दिए जाएंगे। तो ये था टॉपिक, आई होप आप लोग को समझ में आया। 7 मिनट तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर को जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 या यूनिट नंबर 7, जहां पर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फिजियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स। तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक आप लोग के लिए रहने वाले हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि आगे स्पोर्ट्स की फिजियोलॉजी क्या होती है। सो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या होती है, बेसिकली स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का मतलब ये कि आपकी बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है जब स्पोर्ट्स की फील्ड में आ रही है। आप जानते हो कि नॉर्मल इंसान और एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर बॉडी फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस होते हैं, और अगर आप लोग किसी भी एथलीट को चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी फंक्शन को जानना जरूरी है कि किस तरीके से वो लंबे वक्त तक सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं, क्या उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, क्या एंड्योरेंस है कि नहीं, स्पीड है कि नहीं, स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये सभी चीजें इसके अंदर देखी जाती है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इसमें सबसे पहले टॉपिक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो कि स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। सबसे पहली चीज किस चीज से स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जा सकता है, साइज ऑफ मसल, जिसकी मसल साइज बड़ा मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसी के साथ साथ बॉडी वेट बहुत मैटर करता है, जो मोटे इंसान रहते हैं उनको हिलाना मजाक नहीं होता। मसल कंपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेंथ के लिए। आप जानते हो जिम में जो भी इंसान जाते हैं तो अलग अलग मसल्स को हिट करते हैं, और जितनी भी मसल फाइबर है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए। ऐसा नहीं कि कोई एक मसल फाइबर को आप लोग बिल्ड करके स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं, आप लोगों को ओवरऑल मसल कंपोजिशन को बेटर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगला होता है इंटेंसिटी ऑफ नर्वस इंपल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद होगा साथ में अगर आप लोग किसी सामान को एक साथ उठा रहे हो तो एक रहता है ना दिमाग में कि अरे यार 1 2 3 और उठाओ, जिससे क्या हुआ कि नर्वस इंपल्स यहाँ पे वर्क करती है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कहा भी जाता है कि जितने केजी के आप हो उसके डबल वेट तो आप लोग एटलीस्ट उठा सकते हो। तो नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्पीड। इसमें सबसे पहली चीज मसल कंपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लेग्स की मसल है उसका तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दौड़ रहे हो भाई दौड़ते टाइम तो लेग्स की मसल ज्यादा वर्क करेगी ना। इसके साथ साथ आप लोग के पैरों के अंदर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ही आप लोग को कहीं ना कहीं स्पीड देने वाली है, और फास्ट ट्विच फाइबर यहाँ पे मेनली वर्क करती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्पीड के लिए तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो डेफिनेटली आप लोग का रेंज ऑफ मोशन ज्यादा बनेगा और आप लोग स्पीड ज्यादा एक्वायर कर सकते हो। इसके अलावा है मोबिलिटी ऑफ नर्वस इंपल्स, दिमाग में अगर सोच ली बहुत तेज भागना तो आप भाग लेते हो, अगर दिमाग में हिट हो गया कि यार अब नहीं भाग पाऊंगा दौड़ते दौड़ते तो देखना आप लोग लिटरली नहीं भाग पाते हो, होता है कि नहीं, कितने लोग के साथ ऐसा कमेंट बॉक्स में बताओ होता है। अगला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द एंड्योरेंस, सहनशीलता लंबे वक्त तक टिके रहने की बात
होगी, एरोबिक कैपेसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना लैक्टिक एसिड टॉलरेंस ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए एंड्योरेंस के लिए। एरोबिक कैपेसिटी का मतलब ये कि आप लोग वीओटी मैक्स की वैल्यू मतलब क्या सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दौड़ते टाइम आप लोग बहुत लंबे वक्त तक के दौड़ रहे हो तो सांस फूलने लग जाती है ना। मान लो 600 मीटर 700 मीटर या फिर मैराथन में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वहां पर आप फाफने लग जाओगे ना, उस टाइम में ऑक्सीजन का सप्लाई होना बहुत ज्यादा सही तरीके से जरूरी है। इसके अलावा मूवमेंट इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में बहुत तेज दौड़ ली, भाई 1 किलोमीटर दौड़ना है, 100 मीटर थोड़ी दौड़ना तो पूरी ताकत से दौड़ ली, उधर स्पीड में दौड़ते हैं। आपको लंबे वक्त तक टिके रहना, आपको इकोनॉमी वाली लाइन पे चलना, देखते हैं ना बाइक में भी इकोनॉमी वाली रेंज रहती है, जो इकोनॉमी में चलेगा वो ज्यादा लंबे डिस्टेंस तो वो कवर कर सकता है। तो एक मूवमेंट को बनाते हुए चले, मान लो आप लोग एक पेस में दौड़ रहे हो तो लास्ट तक के उस पेस में आप लोग दौड़ते रहो। इसके बाद अगला होता है मसल कंपोजिशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एंड्योरेंस के लिए स्लो ट्विच फाइबर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है जो लॉन्ग टर्म तक की एनर्जी देती रहती है और जल्दी फैटिक नहीं होती है एज कम्पेयर टू फास्ट ट्विच फाइबर। अगले फिजियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें जिसके थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग यहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं, सबसे पहली चीज मसल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोग फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करते हो टेढ़े मेढ़े तो मसल की स्ट्रेंथ जरूरत है ना, पता चल रहा है टीयर अप ही हो गया। अगला है एज और जेंडर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा एज वाले लोग जो रहते हैं उनकी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी लोअर हो जाती है एज कम्पेयर टू जो छोटे बच्चे रहते हैं और यहाँ पे जेंडर भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। रात दिन आपको अपनी मसल्स को स्ट्रेच करते रहना पड़ेगा तभी फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हो सकती है। इसके बाद मैं बात करूं प्रीवियस इंजरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लोग मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया कुछ हो गया और अगर आप लोग को शोल्डर में लग गई है तो भाई अगर आप वहां की फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने के चक्कर में आप अपने जो जख्म है उसको वापस से खरोच सकते हैं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिए अगर आपको जिंदगी में कभी चोट लगी है तो वहां वाले पोर्शन में फ्लेक्सिबिलिटी आना थोड़ा दिक्कतमय हो जाता है। अगला ये है कि यार अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आखिर क्या बेनिफिट होता है। भाई आप सभी लोग जानते हो कि अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो देखो कार्डियो रेस्पिरेटरी का मतलब कि आप लोग के हार्ट और साथ ही साथ लंग्स में क्या बेनिफिट होता है। तो सीधी सिंपल बात, लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, साथ में जो आप लोग का जो हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है, कई लोग के साथ होता है ना, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, ब्लड का फ्लो अलग होता है, प्रेशर अलग होता है और प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होता है, साथ ही साथ ब्लड क्वांटिटी बढ़ जाती है वॉल्यूम में, इसी के साथ साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो डिक्रीज होता है। देखते हो ना कई लोग स्टार्टिंग में जिम जाते बहुत हाँफते लेकिन धीरे धीरे करके रेगुलर एक्सरसाइज कर करके उनकी जो सांस है वो नॉर्मल होने लग जाती है, सांस वाली सांस नहीं जो आने वाली है। अगली बात करते हैं इंक्रीज इन एंडोरेंस, डेफिनेटली यार अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आप अपनी सहनशीलता को बढ़ा सकते हो, लंबे वक्त तक आप टिके रह सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं लंग्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। नेक्स्ट है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल्स में किस तरीके से बेनिफिट हो। इस साल आप लोग एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, किस तरीके से आप लोग को एजिंग में देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है मसल की स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके आप लोग को देखते होंगे डिग्रेडेड होते रहती है। इसके अलावा जो न्यूरल सिस्टम है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे करके खराब होने लग जाता है। एंडोक्राइन चेंजेस आप लोग को एजिंग के दौरान भी देखने को मिल जाते हैं, विजन लो हो जाता है, सुनाई कम देने लग जाता है, एलन सही नहीं रह पाता है बॉडी का, और जो आप लोग का हार्ट का फंक्शनिंग है वो भी धीरे धीरे करके डिग्रेडेड होने लग जाता है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती और बॉडी का कंपोजिशन जो आप लोग पहले रहते होंगे हेल्दी जिसमें आपकी मसल्स एकदम तगड़ी रहती होगी एजिंग के साथ साथ वो भी डिग्रेडेड होने लग जाती है। अगला होता है स्पोर्ट्स की इंजरीज, क्या होती है स्पोर्ट्स की इंजरीज, मतलब देखो यार ऐसी टाइप की चोट जो कि आप लोग स्पोर्ट्स के दौरान लग रही है, नेचुरल भी हो सकती है और गलती से किसी ने मार मार दिया तो वो भी हो सकती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। चलिए भाई तो तीन टाइप के इंजरी पड़ेंगे, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी और जॉइंट इंजरी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मतलब मसल्स में जो चोट लग जाती है वाली। सबसे पहले होता है कंफ्यूजन, मतलब क्या ये देख लो 50 बार बच्चे लोग गिर जाते हैं चलते फिरते तो ऐसा हल्का फुल्का चोट लग जाता है, दैट इज द कंफ्यूजन जो कहलाता है डायरेक्ट हेड और विदाउट एनी इक्विपमेंट अगर आप लोग गिर पड़ जाते तो उस टाइम पे खरोच जो लग जाती है वो आप लोग का कंफ्यूजन है। अगला आप लोग का स्ट्रेन, मतलब क्या मान लो कि यार आप लोग बैटिंग कर रहे हो सही तरीके से बैट नहीं पकड़े और बैट बहुत तेज घुमा दिए, देखते हुए आप लोग का यहाँ पे बहुत तेज जोर लग जाता है, होता क्या यहाँ पे एक्चुअल में ये वाला जो पोर्शन है ट्विस्ट या पुल अप हो जाने की वजह से ऐसा होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्प्रेन की तो स्प्रेन कब हो सकता है, मान लो यार आप लोग दौड़ रहे हो रन लेते रहते हैं और आप लोग का पैर थोड़ा सा मुड़ जाए तो यहाँ पे जो आप लोग के लिगामेंट्स है अगर वो स्ट्रेच अप हो जाए या टीयर अप हो जाए तब स्प्रेन आपका होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एब्रेशन, ये तभी होता है जब पापा की परी के पीछे आप अपनी बाइक को बहुत तेज घुमा रहे हो और विली मार रहे हो और आप लोग रेत के चक्कर में फिसल गए, आप लोग को बहुत भयानक वाली चोट लगती है जिसमें की हो सकता है आपकी हड्डी तक अंदर ही दिखने लग जाए, कंफ्यूजन के बड़े पापा है एब्रेशन, तो इसमें मेजर इंजरी आप लोग को होती है। अगला होता है लेसरेशन, लेसरेशन एक काफी इंपॉर्टेंट है, मान लो यार गलती से दौड़ते भागते टाइम गिर पड़ गए। नेक्स्ट है लेसरेशन, लेसरेशन में क्या होता है ना टीयर अप हो जाना मसल्स का वो कहलाता है लेसरेशन, जैसे कि मान लो क्रिकेट खेलते टाइम गलती से बैट्समैन इतना भयानक तेजी से कूदा कि बैट्समैन जो है बॉलर के पैर के पास गिर गया और उसका हेलमेट उसके पैर पे लग गया, तो हो सकता है ना कट पड़ जाए, तो यहाँ पे याद रखिएगा कनेक्टिव टिश्यूज जो रहते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अगला होता है इंसिजन, ये बच्चा बाबू के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है कि यार मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और सब हाथ काट लेते, तो वो क्या है देखो यार ये मेजर इंजरी है, ये माइनर है, हल्की हल्की ऐसे ऐसे कट लग जाना जैसे ब्लेड से काट लेते हैं ना वैसे टाइप, जैसे कई बार होता है ना इधर उधर चोट लग जाए गलती से रेलिंग से जा टकरा रहे तुम लोग या किसी
किसी के बैट से टच। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का बोन इंजरी। बोन इंजरी बेसिकली क्या होता है, जो फ्रैक्चर्स आप लोग के बोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है। सिंपल फ्रैक्चर मतलब जो बाहर से विजिबल हो रहा है कि अरे कुछ हड्डी टूटी नहीं, लेकिन अंदर हड्डी टूट चुकी है। कंपाउंड फ्रैक्चर ऐसे टाइप का फ्रैक्चर होता है जिसमें कि आप लोगों को हड्डी बाहर से विजिबल होते हुए देखने को मिलती है कि अरे हड्डी टूट गई, जैसे भैया की दिख रही है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर और ऑब्लिक फ्रैक्चर में डिफरेंस ये है कि ट्रांसवर्स में इस तरीके से परपेंडिकुलर में हड्डी टूटती है, ऑब्लिक में 45 डिग्री में हड्डी ब्रेक डाउन होती है। कम्युनिटी फ्रैक्चर एक ऐसे टाइप का फ्रैक्चर है जहां पे हड्डी चूरा चूर हो जाती है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में याद रखिएगा सिर्फ बोन के ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में आप लोग को जो सॉफ्ट यंग बोन रहती है वहां पे डैमेज देखने को मिलता है। लास्ट में इंपैक्ट फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी दो हिस्से में टूटती है और एक के ऊपर एक जैम पैक्ड हो जाती है, उसे कहते हैं इंपैक्ट फ्रैक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स क्लास 12 के लिए होने वाला है। इस चैप्टर में आप लोगों को फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को ना टॉपिक्स को थोड़ा सा एड ऑन कर दिया गया है। जो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलता है वो है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, बायो वर्ड स्पेसिफिकली ह्यूमन लाइफ से रिलेट करता है, और मैकेनिक्स का मतलब बेसिकली क्या हो जाता है कि बॉडी का किस तरीके का मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के मूवमेंट को एनालाइज करना है तो बायोमैकेनिक्स को समझना जरूरी है। इसके थ्रू आप लोग अपने स्पोर्ट्स के स्किल को बेटर बना सकते हो और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो स्पोर्ट्स में। इसमें सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है न्यूटन के लॉस। तो सबसे पहला जो लॉ होता है इसका नाम होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उसको आप मूव ना करवा दो, या कोई भी बॉडी तब तक के मूव करते रहेगी जब तक कि आप उसको कोई आके रोक ना ले, वो आप लोग का न्यूटन का पहला लॉ हो गया। जैसे एक बॉल पड़ी हुई है, अब वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि कोई उसको किक ना कर दे। तो अगर आप किकिंग द बॉल फुटबॉल में देखो तो एक एग्जांपल होगा न्यूटन का पहले लॉ का। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है एक्सेलरेशन का लॉ या लॉ ऑफ मोमेंटम। न्यूटन के सेकंड लॉ में न्यूटन ने अपनी मां के बारे में बताया, ऐसा नहीं है Force is equal to mass into acceleration. जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। जब आप बॉल कैच करते हो क्रिकेट में तो बॉल बहुत तेज एक्सेलरेशन के साथ आती है, और जब आप लोग बिना हाथ हिलाए ऐसे ही टच करके मान लो बॉल पकड़े तो चटाक से आपको पड़ेगी, क्योंकि हाई फोर्स रहता है। इस वजह से बॉलर हल्का सा पीछे ले लेता है उस एक्सेलरेशन के साथ जो फोर्स आ रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बॉल दीवार पे मारोगे उतनी फोर्स से बॉल आपकी तरफ आ जाएगी। तो ये न्यूटन के तीनों लॉ है, इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप ये फुटबॉल वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, एक्सेलरेशन में आप लोग क्रिकेट बॉल वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके अलावा आप लोग लॉ ऑफ रिएक्शन में आप लोग वॉकिंग स्विमिंग और रनिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अगर मैं अगले टॉपिक की बात करता हूं टाइप ऑफ लीवर्स और उनकी एप्लीकेशन, तो याद रखना लीवर्स क्या होते, तो ह्यूमन बॉडी के लिए लीवर्स क्या है, तो वो फॉर्म होते हैं बोन्स जॉइंट्स और मसल से मिलके। तो यहाँ पे आप लोग को बोन देखने को मिलेगी जो कि एक रिजिड आप लोग का स्ट्रक्चर है, मसल्स देखने को मिलेगी जो फोर्स एक्सर्ट करने वाली है, एंगुलर मोशन आपको टर्निंग मूवमेंट की वजह से होगा, और हर जगह पे एक जॉइंट होगा जिसके थ्रू ये सब चीज हो पा रही है, उसको हम लोग फलक्रम कहते हैं। और जॉइंट के तौर पे यहाँ पे हमारी बॉडी के जॉइंट्स एक्ट करते हैं, और एक लोड देखने को मिलेगा जिसको उठाना आप लोग को रहेगा। तो तीन तरीके के आप लोग को यहाँ पे लीवर्स देखने को मिलने वाले हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। तो फर्स्ट क्लास लीवर में अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो फलक्रम है बीचों बीच होता है, जो एफर्ट आप लगा रहे हो वो इस तरफ लगा रहे हो, लोड इस तरफ लग रहा है। मतलब एक ह्यूमन बॉडी से आपने चम्मच मुंह से उठाए तो फोर्स नीचे लग, सॉरी जो चम्मच का लोड है वो नीचे लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए आप लोग एफर्ट इस तरफ लगाओगे, और यहाँ पे जॉइंट के तौर पे आपका हेड यहाँ पे फलक्रम की तरह एक्ट करने वाला है। सेकंड क्लास लीवर में याद रखिएगा फलक्रम साइड में होता है और लोड ऊपर से लगता है और एफर्ट नीचे से लगता है। ये कब लग सकता है, जब आप अपने टो के बल पे उठते हो, मान लो जब इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे जॉइंट आप लोग का यहाँ पे हो गया टो के पास, और जो आप लोग लोड लगा रहे हो वो नीचे की तरफ लगा रहे हो, और जो एफर्ट आप लगा रहे हो वो ऊपर की तरफ लगा रहे हो। थर्ड क्लास लीवर की अगर मैं बात करूं तो भाई आप अपनी बेबी के शॉपिंग बैग को जब उठाओगे तब आप लोगों को थर्ड क्लास लीवर लगेगा, जिसमें आप लोग का लोड नीचे की तरफ है हाथों के, देखो इस तरफ में, और जो ताकत है वो आप लोग अपने बाइसेप के थ्रू लगा रहे हो, और जॉइंट जो है ये आप लोग का एल्बो हो गया। तो ये होते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास लीवर, एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं, मालूम होना चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा जरूर। इसके अलावा लीवर्स के एप्लीकेशंस मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग चाहो तो इसको पॉज करके भी एक बार रीड कर सकते हो या कोई भी एग्जांपल बना सकते हो जो आप लोग को इन लीवर्स के बीच में कंडीशनिंग में देखने को मिल रहा है। अगला जो टॉपिक है उसका नाम इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जो बॉडी है वो बैलेंस आप लोग को देखने को मिलेगी, मतलब ऐसे टाइप का पॉइंट जहां पे सारे फोर्स एक दूसरे को काउंटर करके बैलेंस करते रहे। जैसे ये सीसो में इधर दीदी 50 किलो की बैठी, इधर भी दीदी 50 किलो की बैठी, तो बॉडी बैलेंस आप लोग को देखने को मिलने वाली है। दो तरीके के इक्विलिब्रियम होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब खड़े खड़े जब आप अपनी बॉडी को इक्विलिब्रियम में ला रहे हो, मान लो चेयर में बैठे हुए हो या एक पैर में खड़े हो, तो उस टाइम आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है गाइस, जब आप दौड़ रहे हो रनिंग करते टाइम पे वॉकिंग करते टाइम पे आप लोग को डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। भैया ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या खराब हो सकता है, हाँ जी आप दौड़ रहे हो पैर के नीचे केले का छिलका आ गया गिर गए तो इक्विलिब्रियम स्टेट खराब हो गई। अगला आप लोग का क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनरी पॉइंट है, माना जाता है कि उस पॉइंट पे जो बॉडी है वो बैलेंस होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है कंडीशन पे, जैसे खड़े हो
तो मान लो यहाँ पे आप लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जब आपने हाथ ऊपर कर दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया, जब आप झुक गए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो गया। तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं कह सकता हूँ मूवमेंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये चीज आप लोग याद रखना, और स्पोर्ट्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखे बैट्समैन खड़े खड़े बैटिंग करते करते गिर जाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी अचीव नहीं हो पाती और वो गिर जाते हैं। यॉर्कर के टाइम में आपने कई बार देखे हुए बैट्समैन उसको सही तरीके से खेल नहीं पाए और अपनी जगह में खड़े खड़े गिर। अब अगला टॉपिक है फ्रिक्शन क्या होता है, तो याद रखिएगा फ्रिक्शन एक ऐसे टाइप का फोर्स होता है, मान लो एक बॉल है जिसको आपने धक्का मारी तो बॉल इस तरफ जा रही है आप लोग को, है ना, लेकिन इसके अपोजिट इन डायरेक्शन में फ्रिक्शन आप लोग को लगते हुए देखने को मिलता है। तो फ्रिक्शन याद रखिएगा रफ सर्फेस में ज्यादा लगता है, स्मूथ सर्फेस में कम लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन याद रखिएगा उस ऑब्जेक्ट पे लगता है जो अपनी ही जगह पे, जैसे ये टेबल अपनी जगह पे, आप इसमें कितना भी फोर्स लगाओ ये अपनी जगह पे रहेगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट इन डायरेक्शन पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, तब जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी जगह पे हिलेगा नहीं और अपनी ही जगह पे रह जाएगा, उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्लाइड हो रहा है तो उस टाइम पे जब जिस तरफ वो स्लाइड हो रहा है उसके अपोजिट इन डायरेक्शन पे फोर्स लगते हुए दिखता है उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोल हो रहा है जिस तरफ उस पर एक्चुअल फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट इन डायरेक्शन में एक आप लोगों को रोलिंग फ्रिक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्लूइड फ्रिक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है जिस तरफ आप लोग तैर रहे हो स्विमिंग कर रहे हो उसके अपोजिट इन डायरेक्शन में आप लोगों को एक फ्रिक्शन ऑब्जर्व होगा जो कि फ्लूइड की वजह से हो रहा है, इसलिए उसको फ्लूइड फ्रिक्शन है। और जो फ्लूइड फ्रिक्शन है एयर की वजह से भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल ना वो चीज है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, एक पैराबोलिक कर्व फॉर्म होता है इसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा दूर तक फेंकना है तो 45 डिग्री के आसपास के एंगल में अगर आप फेंकोगे तो वो ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर जाएगा, अगर आप खड़ा ऊपर फेंक दोगे तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, अगर आप सीधा फेंकोगे तब भी वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अगर आप लोग एक बेटर फ्लाइट अचीव करना है जिसमें आप लोग एक पैराबोलिक कर्व को अच्छे से बना सको जिससे ऑब्जेक्ट को दूर तक पहुंचाना है तो वो 45 डिग्री अराउंड पे रहना चाहिए। जैसे आप एक एग्जांपल पे दिया हुआ है 45 डिग्री पे बॉल ज्यादा से ज्यादा दूर तक के गई है, जब आपने ज्यादा हाइट पे उठा दी तो बॉल ज्यादा दूर नहीं गई, बहुत कम हाइट पे आपने उठाया तो तब भी बॉल ज्यादा दूर नहीं गई। तो याद रखिएगा हर स्पोर्ट्स के अंदर आप लोग को प्रोजेक्टाइल देखने को मिलेगा, चाहे आप क्रिकेट में बॉल फेंक रहे हो उस टाइम पे, फील्डिंग करते टाइम, गोल्फ के टाइम में बॉल को ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए, या आप लोग जैवलिन थ्रो या फिर डिस्कस थ्रो या फिर आप लोग शॉट पुट क्यों ना फेंक रहे हो, हर जगह पे प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर तक पहुंचाने के लिए। तो कुछ फैक्टर पे प्रोजेक्टाइल डिपेंड करता है, एक तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा रहेगा तब भी बॉल दूर नहीं जाएगी, बहुत कम रहेगा तब भी दूर नहीं जाएगी, 45 के आसपास रहेगा तो बहुत दूर चले जाएगा। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी भी 45 पे फेंक तो रहे हो लेकिन लुल्लू पुल्लू टाइप फेंकोगे तो कहां दूर जाएगा, उसके लिए बहुत ताकत से फेंकना पड़ेगा। रिलेटिव हाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, अब भी समझा, एकदम सीधा फेंक दोगे तो कुछ काम नहीं आने वाला, पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो ऑब्वियस बात है इंपॉर्टेंट है ही। तो यहां से होता हमारा चैप्टर इस समाप्ति, तो आई होप तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर को जिसका नाम रहने वाला है साइकोलॉजी में स्पोर्ट्स, चैप्टर नंबर 9 या यूनिट नंबर 9 आप लोग के लिए रहने वाली है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोग के लिए होने वाला है, इसमें आप लोग को जो भी पोर्शन दिया है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है और इसको हम लोग अच्छे वे में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसे आप देख रहे हो सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को ना प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं किया जा सकता बिकॉज इसकी ना प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं आप लोग उसको डिफाइन करने को कहूं तो आप लोग ये कह सकते हो कि किसी भी पर्सन की इनर और आउटर क्वालिटी उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। किस तरीके से, अगर उसके अंदर फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग को देखने को मिलती है और दुनिया की निगाहों में वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बनके उभरता है तो कहा जाएगा कि एक बेस्ट पर्सनालिटी वाला इंसान है। तो याद रखिएगा पर्सनालिटी के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है जिसके थ्रू आप लोग पर्सनालिटी को समझ सकते हो। सबसे पहला होता है फिजिकल डायमेंशन जो कि फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पे वर्क करता है। हमेशा हर किसी भी इंसान से जब भी हम मिलते हैं तो हम लोग उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं ना, फिजिकल अपीयरेंस से मोटा है, काला है, गोरा है, क्या है, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ फिजिकल डायमेंशन के थ्रू आप लोग एनालाइज कर सकते हो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सबसे बेस्ट वाली जो टाइप होता है जिसके थ्रू आप लोग बेस्ट वे में पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हो, मेंटल एबिलिटी। मेंटल डायमेंशन के थ्रू आप लोग किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ और साथ ही साथ उस पर्सन की मेंटल थिंकिंग के तौर पे आप लोग मानते हो कि यार ये यार बंदा बहुत तगड़ा है, जैसे गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ऐसे ढेर सारे फ्रीडम फाइटर्स जो आप लोग को पसंद होंगे, कमेंट बॉक्स में बताना जरा आप लोग को कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सोशल डायमेंशन भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का डायमेंशन है, जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से, जिसके थ्रू लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। इसके अलावा इमोशनल डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट होता है, हर लीडर के अंदर वो क्वालिटी होती है कि अगर बुरा से बुरा फेज भी चल रहा हो तो उसमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और अगर अच्छे से अच्छा वक्त भी चल रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। तो ऐसे पर्संस के अंदर आप लोगों को इमोशंस डायमेंशन देखने को मिलते, तो ये कुछ डायमेंशन है जिनके थ्रू आप लोग पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए जंग्स क्लासिफिकेशन नाम की एक मेथड दी गई है जिसके थ्रू आप लोग यार मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे आप लोग यहां पे डिफाइन करते हो। इंट्रोवर्ट टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत कम फ्रेंड सर्कल इन लोगों का होता है और याद रखिएगा ये अकेले में क्रिएटिविटी दिखाना पसंद करते हैं और गुड लिसनर होते हैं। इसके अलावा अगले होते हैं एक्सट्रोवर्ट जिसके साथ बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, सभी के दोस्त होंगे, ये सेंटर ऑफ अटेंशन होंगे, साथ ही साथ बहुत ज्यादा सोशली इंटरेक्टेड पर्सन होते हैं। एम्बीवर्ट ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनके पास ना इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों टाइप की क्वालिटीज देखने को मिलती है। ये गुड लिसनर के साथ साथ बात करना भी अच्छा जानते हैं, गुड सेंस ऑफ ट्रस्ट होता है और ये कभी कभी अकेला रहना भी जानते हैं और साथ ही साथ सोशल होना भी लोगों के साथ पसंद करते हैं।
अगला जो आप लोग का टाइप है वो है बिग फाइव थ्योरी। इसके थ्रू भी आप लोग पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हो एक ओशियन वर्ड से। ये ओशियन वर्ड में ओ स्पेसिफिकली डिफाइंड होता है ओपननेस को, ऐसे लोग जो क्रिएटिव माइंडसेट के हमेशा कुछ ना कुछ नया करना सीखना चाहते हैं। सी से कंसाइंशियसनेस होता है, मतलब जो अपने एकदम गोल ओरिएंटेड हो। ई से मतलब एक्सट्रोवर्जन, मतलब कि एकदम कुछ ज्यादा ही खुले मिजाज के इंसान लोग। अगले होते हैं एग्रीबलनेस, मतलब कि जो किसी की बात पे भी एग्री हो जाते हैं। और न्यूरोटिसिस, मतलब कि जिनको ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में हर चीज बुरी ही हो रही है। तो ऐसे आप लोग को पांच टाइप के पर्सनैलिटी देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू बिग फाइव थ्योरी। इसके बाद मोटिवेशन क्या होता है भाई? मोटिवेशन का मतलब स्पेसिफिकली है कि अगर आप लोग को मैं समझा रहा हूँ कि यार पढ़ाई तगड़ी करनी है, मार्क्स अच्छे लाना, तो कहीं ना कहीं आप लोग स्टिमुलेट हो जाओगे अपने गोल की तरफ। इसी को कहते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन यार आप लोग पैसे कमाने के लिए, सक्सेस के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए, टीम वर्क के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए आप लोग मोटिवेटेड रहते हो। तो मोटिवेशन दो टाइप के होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब खुद से अपने आप को मोटिवेट कर लिए, एक्सट्रिंसिक मतलब किसी और की बात पे आप लोग मोटिवेट रहे। लेकिन याद रखना जो लॉन्ग टर्म तक के मोटिवेशन काम करता है वो इंट्रिंसिक होता है। कैसे आप मोटिवेट रह सकते हो? आप अपना गोल सेट करो और सोचो कि यार आने वाले टाइम में अगर मेरे अच्छा रिजल्ट आए तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा करके। स्पेक्टेटर कहीं ना कहीं आप लोग को मोटिवेट करते हैं वर्बल कमेंट, जैसे कि मेरे को प्यारे प्यारे कमेंट आते तो मैं मोटिवेट होता हूं ढेर सारे वीडियोस बनाने के लिए। कैश प्राइजेस, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, मोटिवेशनल स्पीक, पॉजिटिव एटीट्यूड और खुद से बात करने से भी आप लोग अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। इसके अलावा अगला टॉपिक होता है एक्सरसाइज एडेसेंस। इसका मतलब ये कि जो भी आप लोग एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो उसको अगर आप लंबे टाइम तक एक्सटेंड करते हो तो आप लोग को ढेर सारे बेनिफिट्स आप लोग को देखने को मिलते हैं, जो कहलाता है एक्सरसाइज एडेसेंस। तो अगर आप लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो ऑब्वियसली बात है डे टू डे आप लोग ऑब्जर्व करोगे, आप लोग की बॉडी के अंदर प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे और आप लोग धीरे धीरे करके फिटनेस की तरफ बढ़ने लग जाओगे। तो क्या एक्सरसाइज के रीजन होते हैं भाई? बॉडी के शेप को अच्छा बनाना है, गुड लुकिंग होना है, एजिंग को रिड्यूस करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, मूड को एलिवेट करने के लिए, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी इन सबको दूर करने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, अपनी नींद को सही करने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए और पैसे बचाने के लिए। क्योंकि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो बीमारियों से बचे रह जाओगे, बीमारी में बेफिजूल के पैसे आपके बर्बाद नहीं होंगे। इसके अलावा कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलोअप कर सकते हो जिसके थ्रू आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज को लंबे वक्त तक परफॉर्म कर सकते हो? आपका सबसे पहले एक एम होना चाहिए कि आने वाले टाइम में मैं एक अच्छा फिट पर्सन बनना चाहता हूं। अगर वो आप लोग के दिमाग में थॉट ही नहीं होगा तो आप लोग यार 2 से 4 दिन जिम जाओगे उसके बाद आप लोग फिटनेस छोड़ दोगे। आपको होप रखना जरूरी है कि आने वाले टाइम में अगर मैं रेगुलर ऐसे प्रैक्टिस करते रहा तो मेरी अच्छी फिजिक बन जाएगी। और कई बार ना अपने आप को यार फिट रखने वाले लोग भी आपको देखने को मिलते हैं जो अपने लिए, अपने शरीर के लिए मेहनत करते हैं। अगला होता है एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब बेसिकली है कि एक ऐसे टाइप का मूड जिसमें कि आप लोग किसी को भी मारा पीटी या फिर हार्म करने वाली सिचुएशन में आ जाते हो, उसे हम लोग कहते हैं एग्रेशन। स्पोर्ट्स की फील्ड में एग्रेशन आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगा, जैसा हॉस्टाइल एग्रेशन जिसमें कि आप लोग मारा पीटी पे उतर जाते हो, इंस्ट्रूमेंट एग्रेशन जिसमें कि आप खुद के लिए एग्रेसिव हो कि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करना है, और असर्टिव एग्रेशन मतलब कि मान लो किसी ने आपको आके चढ़ा दिया, एक बैट्समैन आउट हुआ, अब आप बैटिंग करने आए और पीछे से कीपर ने चिल्लाना चालू कर दिया कि कच्चा नींबू है, स्लो बॉल डाला, आउट हो जाएगा, और आपने सोचा कि आप बता दो, बैट घुमाया और आउट हो गए, किसी और ने आपको चढ़ाया और आप आउट हो गए, ऐसे टाइप के एग्रेशन को कहते हैं असर्टिव एग्रेशन। नेक्स्ट होता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इन फिजिकल एजुकेशन। तो ढेर सारे ऐसे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होते हैं जिसके थ्रू आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग स्पोर्ट्स में बेटर परफॉर्म कर सकते हो। वो कौन सा है? सबसे पहला होता है सेल्फ एस्टीम। मान लो टीम आप लोग की बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, आप बैटिंग करने आए, अगर आपको खुद के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद पे बिलीव है, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप टीम को जिता दोगे, वही कहलाता है सेल्फ एस्टीम। मेंटल इमेजिनरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार भाई मैं आगे जाके इस ओवर के बाद जो अगला ओवर आने वाला है उसमें मैं किस तरीके का परफॉर्मेंस रखूंगा, ये मेंटल इमेजिनरी होती है जो हर एथलीट के अंदर होना जरूरी है। सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा जरूरी है कि कई बार क्या होता है ना, एग्रेसिव होकर बैट घुमाते रहते और देखते कि यार ये अब भी आउट होते होते हो, तो इस टाइम पे आप लोग शांत होकर सोचोगे कि नहीं भाई मुझे अच्छे से अपने टीम के लिए खेलना है, तो मैं ज्यादा जज्बाती होकर नहीं खेलूंगा, आराम से खेलूंगा। ये सेल्फ टॉक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके थ्रू आप लोग अपने स्पोर्ट्स को एनहांस कर सकते हो। और गोल सेटिंग मतलब कि आगे जाके हर किसी को जीतना है, करना है, मतलब हर चीज के लिए एक गोल सेट करके रखते हो ना, जिससे कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हो और पहले से ट्रेनिंग करते रहते हो उस स्पेसिफिक टास्क के लिए, उसको कहते हैं गोल सेटिंग। याद होता है आप लोगों का चैप्टर समाप्त आए हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 10। आखिरी चैप्टर रहने वाला है जिसका नाम ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स रहने वाला है, और जो कंटेंट है आप लोगों का ये रहने वाला है जिसमें आप लोगों का सर्किट ट्रेनिंग नाम का टॉपिक नया ऐड हुआ है। चलिए सबसे पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग एक ऐसी टाइप की प्रिपरेशन है जिसमें आप लोग अपने टास्क के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, जैसे आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, जिससे कि स्पेसिफिक टूर्नामेंट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। तो ये होती है स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स होती होगी, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या कि यार इंडिविजुअली आप लोग यहाँ पे एक ऐसे टाइप की प्रोसेस है जहां पे आप लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हो इंडिविजुअल पर्सन को कि ये बंदे को अगर हम लोग टीम में सिलेक्ट करेंगे तो ये आगे जाके हमारी टीम को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। तो आप देखते हो कि आईपीएल में ज्यादातर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है, जो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करता है उसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर दिया जाता है इंडिया की टीम के लिए। याद रखिएगा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में किसी भी टाइप का
रेसिज्म नहीं होता है, किसी भी टाइप का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है अपर कॉम्पिटिशन के लिए, और कुछ भी नहीं है, कथा कहानी लिख के आना इसमें और कुछ भी नहीं। चलो भाई अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल्स। तो देखो यार यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट की साइकिल्स होती है जिसके थ्रू आप लोग को ट्रेनिंग को अलग अलग वे में करते हुए चलना रहता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये कैसा कॉन्सेप्ट है, तो एक ऐसे टाइप का पीरियोडिकलाइजेशन कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग साइकिल्स आप लोग हिट करने वाले हो अपने इंडिविजुअल गोल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला होता है मैक्रो साइकिल। तो मैक्रो साइकिल एक्चुअल में पूरे एंटायर सेशन भर चलता है, इसका ट्रेनिंग पीरियड का टाइम भी ज्यादा होता है। इसके बाद जो मैक्रो साइकिल रहते हैं फर्दर डिवाइडेड रहते हैं मीजो साइकिल्स में। मीजो साइकिल जो है वीक या मंथ के प्लान्स में होता है, जहां पे टारगेट किया जाता है स्पेसिफिक, जिसके थ्रू वो बेटर और ज्यादा हो सके। इसके बाद होता है माइक्रो साइकिल। तो माइक्रो साइकिल और ज्यादा कम टाइम पीरियड का होता है ना, कुछ फ्यू डेज या वीक्स का होगा, कुछ छोटी मोटी चीजों को जिससे सुधार करके अपने आप को बेटर बनाया जा सके। तो याद रखना सबसे पहले तो ये वाला साइकिल होता है बड़ी सिलेबस में है नहीं। सो मैक्रो साइकिल है जो लगभग साल भर तक के चलता है, यहाँ पे प्रिपरेशन कॉम्पिटिशन और ट्रांजिशन फेस होता है। मीजो साइकिल एक सिंगुलर ट्रेनिंग साइकिल है जो महीनों तक चलता है। माइक्रो साइकिल जो एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि एकदम छोटी से छोटी यूनिट, मतलब कि कुछ वीक्स के लिए या फिर एक आध वीक के किसी स्पेशल चीज की ट्रेनिंग कर रहे हो। और फिर वर्कआउट मतलब कि यार मीजो साइकिल के अंदर दिन के बारे में बात करी जाए तो वर्कआउट से। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर हो चुकी है। अब जानते हैं यार टाइप्स और मेथड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को कैसे इंप्रूव करें। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है भाई, स्ट्रेंथ का मतलब ये कि यार अगर आप लोग कितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो अपनी मसल्स के थ्रू, वो क्या है स्ट्रेंथ है। मैंने कहा कि मैं एक बाल्टी पानी उठा सकता हूँ, कोई 10 बाल्टी पानी उठा सकता है एक बार, तो वो डिपेंड करेगा उसके मसल्स कितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो दो टाइप की आप लोग की स्ट्रेंथ होती है, डायनेमिक और स्टैटिक। स्टैटिक स्ट्रेंथ एक ऐसे टाइप की स्ट्रेंथ है जहां पे आप लोग खड़े खड़े बिना किसी मूवमेंट के आप लोग स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे हम लोग वेट लिफ्टिंग में चेक कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी इसको कहते हैं। डायनेमिक स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो यहाँ पे आप लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हो रिपीटेटिव टाइम पीरियड के लिए, जैसे पुलअप्स, पुशअप्स, तो ये ऐसे टाइप की जो आप लोग की स्ट्रेंथ होती है इसे डायनेमिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके बाद आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर देते हो। इसमें हो सकता है शॉटपुट में, हो सकता है वेट लिफ्टिंग में, हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में क्या होता है, आप लोग को हाई स्पीड के साथ अपनी फुल पावर लगाना है। कहां से लगाई जा सकती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मालूम होगा लेग से लगाई जा सकती है। तो जैसे आप जानते होंगे लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, इसमें यार एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगती होगी। इसके अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, मैंने कहा कि एक बाल्टी पानी उठाओ और एक किलोमीटर चलो भी जाके, तो मतलब कितने लंबे वक्त तक आप टिके रह पाओगे स्ट्रेंथ बाल्टी को उठा के, वो आप लोग की स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के बारे में समझा गया, जिसके अंदर स्ट्रेंथ के साथ साथ एंड्योरेंस की एबिलिटी को भी चेक किया जाता है, स्विमिंग साइकिल के अंदर देखा जाता है। अगली मैं बात करूंगी किस तरीके से आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को करके आप लोग बाहर से देखकर तो नहीं लगेगा कि यार कुछ एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर मसल्स वहां पे टोन अप होती है। जैसे आप देख सकते हो प्लैंक लगाए होंगे आप लोगों ने तो मालूम होगा आपको, वॉल सेट लगाए होंगे तो, स्क्वाट्स होल्ड लगाए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। क्लियर दोस्तों, इसमें ना डायरेक्टली आप लोगों को मूवमेंट दिख नहीं पा रहा है कि यार मसल्स यहां पे ग्रो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में यहां पे मसल्स पे हिट हो रहा है। अगली बात करिए आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ये ऐसे टाइप की एक्सरसाइज है जहां पे एक्चुअल में वेट लिफ्टिंग करके आप लोग मसल्स बिल्ड कर रहे हो, जहां पे बार बार कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर दोस्तों। तो अगला होता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, मतलब ऐसे टाइप की एक्सरसाइज जिसमें एक्चुअल में मूवमेंट भी हो रहा है कंटिन्यूस टेंशन और फ्लेक्शन के साथ, मतलब साइकिल चलाते होंगे तो आप लोग यार कंटिन्यूस फ्लेक्शन टेंशन कर रहे हो ना, ऐसे टाइप की एक्सरसाइज आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहलाती है। इसके बाद अगला टॉपिक है एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस क्या होता है, सहनशीलता, कितने लंबे वक्त तक तुम किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला होता है स्पीड एंड्योरेंस, जिसमें आप लोग को हाई स्पीड के साथ एंड्योरेंस को अचीव करना है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है चीजें, जैसे स्विमिंग, बास्केटबॉल, टेनिस वगैरह खेलना। अगला है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, मतलब यहाँ पे आप लोग को लॉन्गर ड्यूरेशन तक के उस स्पेसिफिक एक्टिविटी को करना है, जैसे कि मैराथन, फुटबॉल खेलना, साइकिलिंग करना। तो कैसे हम लोग यार इंप्रूव कर सकते हैं एंड्योरेंस को, तो सबसे पहले मेथड है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। इसमें आप लोग करोगे क्या, बेसिकली आप लोग को यहाँ पे दौड़ना है और कुछ नहीं, लंबे स्पान के लिए मैराथन है। अभी दो तरीके से हो सकती है, या तो स्लो या तो फास्ट। तो जो स्लो वाली मेथड है, इसमें आप लोग को लॉन्ग डिस्टेंस को कवरअप करना है, 1 से 2 घंटे तक आपको वर्कआउट करना है और 10 से 20 किलोमीटर की आप लोग की डिस्टेंस कवरअप करने वाले। फास्ट ट्रेनिंग मेथड की बात करी जाए तो यहाँ पे मिड डिस्टेंस आप लोग को रखना है, ज्यादा लंबी नहीं रखना है, लेकिन 15 से 40 मिनट के अराउंड में वर्कआउट होना चाहिए, 5 से 10 किलोमीटर आप लोग को दौड़ना। इसी के अंदर आता है वेरिएबल कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, जिसमें कि आप लोग फास्ट और स्लो दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके वर्कआउट करते हो। अगला होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, यहाँ पे एक्चुअल में आप वर्कआउट करोगे फिर रेस्ट, फिर वर्कआउट, फिर रेस्ट, इस तरीके का पूरा का पूरा मोटो होता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू आप लोग स्पेशली एंड्योरेंस को अचीव कर सकते हो। जैसे आप वर्कआउट करने जिम जाते हो तो वेट लिफ्टिंग किए, फिर 2 मिनट रेस्ट लिए, फिर वेट लिफ्टिंग किए, इससे क्या होता है फैटिक जल्दी नहीं आता। तो अगला होता है फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड, एक ऐसे टाइप की ट्रेनिंग मेथड है जहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है और एक एंडिंग पॉइंट, और पहाड़ में कहीं पे भी छोड़ देंगे, बोलेंगे कि जाओ अब अपने हिसाब से ट्रेनिंग करो। मतलब हो सकता है कुछ रास्ते आप लोग के खराब आए, कुछ आप लोग को सही मिल रहा हो, कुछ आप लोग को स्लोप मिल रहा हो, कोई जगह पे आप लोग को चढ़ान हो रही हो, कहीं पे ढलान हो रही हो, ऐसे टाइप के आप लोग को ट्रेनिंग मेथड करते हुए चलना है। नेचर से होकर गुजरते हुए ट्रेनिंग होती है, उसे कहते हैं फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड। तो अगला होता है स्पीड। तो स्पीड क्या होती है भाई, इट इज द कैपेसिटी ऑफ मूविंग अ बॉडी विद इट्स ग्रेटर पॉसिबल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। तो यहाँ पे कुछ टाइप है, जैसे रिएक्शन टाइम, जैसे कि और किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने हाथ पकड़ लिया, दैट इज द रिएक्शन टाइम। एक्सेलरेशन एबिलिटी, मतलब टाइम टेकन बाय एन बॉडी टू रीच द मैक्सिमम स्पीड। नेक्स्ट है स्पीड मूवमेंट, इसका मतलब टाइम टेकन अ बॉडी टू परफॉर्म द कंप्लीट एक्शन। फिर लोकोमोटर एबिलिटी, मतलब टू मेंटेन द मैक्सिमम स्पीड फॉर द मैक्सिमम डिस्टेंस। लास्ट होता है स्पीड एंड्योरेंस, जिसके बारे में आप लोग को पता। सो कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं स्पीड,
स्पीड को एक्सेलरेशन रन के थ्रू यहाँ पे क्या करना 20 से 30 मीटर की आप लोगों को बहुत तेज दौड़ और ऐसे फ्रीक्वेंटली आप लोगों को रिपीटेड फॉर्म में करते हुए चलना जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होते रहेगी। अगला होता है पेस रन ट्रेनिंग मेथड जिसमें कि आप लोगों को 800 मीटर तक के दौड़ना है लेकिन उसमें आप लोगों को ये याद रखना है कि लगभग जो लास्ट का 30% रहेगा उसमें आपको तेज दौड़ते हुए भागना है। इसके बाद अगला होता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कि रेंज ऑफ मूवमेंट इतना ज्यादा मैक्सिमम हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर वो कहलाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे दीदी दिख रही होंगी आप लोगों को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी कहां पे इंक्रीज होती है भाई, आप लोग के जो जॉइंट्स है लिगामेंट्स है ये अगर सही तरीके से अच्छे से वर्क कर रहे तो आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी बेटर होगी। फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअल में इंजरीज वगैरह से बचने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में दो टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ पैसिव जिसमें कि मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन आप अचीव कर सकते हो विद दी एक्सटर्नल हेल्प, और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें आप लोग किसी की हेल्प नहीं लेकर उससे आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें कि स्टेशनरी पोजीशन में रहकर आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर रहे। देखते हो ना खड़े खड़े टो टच करना, चक्रासन करना। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में एक्चुअल में मोशन के थ्रू आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी करते हो जैसे जिमनास्टिक डाइट। आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले होता है बेलास्टिक मेथड जिसमें कि आप लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हो बाय स्विंगिंग दी लिम्स। बेसिकली देखते हो जिम जाते हो हाथ आप घुमाना चालू करते हैं कुछ लोग। अगला होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड जहां पे आप लोग को स्लो 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 स्ट्रेचिंग करते हुए चलना है दोस्त। इसके बाद अगला होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, किसी की मदद से ट्रेनर आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करवा के देते हैं ना, हाथ पांव खींच देते हैं देखते हुए जिम, वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ट्रेनिंग मेथड। तो अगला होता है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी का मतलब होता है जो भी स्पेसिफिक मूवमेंट आप कर रहे हो अगर आप उसको प्रॉपर और एकदम सही तरीके से कर रहे हो वो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कहलाता है। तो सबसे पहला होता है एडेप्टिव एबिलिटी मतलब एबिलिटी टू एडजस्ट द मूवमेंट इफेक्टिवली बेस्ड ऑन द चेंजेस। अगला होता है बैलेंस एबिलिटी दैट मींस एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द बॉडी इन अ स्टेबल पोजीशन। नेक्स्ट होता है रिदम एबिलिटी, एबिलिटी टू ऑब्जर्व द रिदम ऑफ द मूवमेंट एंड टू रीगेन द बैलेंस क्विकली। इसके बाद होता है रिएक्शन एबिलिटी मतलब एबिलिटी टू रिएक्ट इमीडिएटली एंड क्विकली टू अ सिग्नल। लास्ट में होता है कपल एबिलिटी दैट मींस एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट टू परफॉर्म द परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट। अब सर्किट ट्रेनिंग होता क्या है, सर्किट ट्रेनिंग टाइप का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहां पे आप लोग कम टाइम के अंदर ढेर सारी एक्सरसाइज को एक के बाद एक परफॉर्म कर सकते हो। कैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो मान लो पहले आप लोगों ने इस तरीके से जंपिंग कर लिए, फिर सिटअप्स कर लिए, फिर पुशअप्स कर लिए, एयर स्क्वाट्स करे, फिर बर्पीज कर लिए, उसके बाद आप लोगों ने बेंच डिप्स करे, प्लैंक करे, फिर लंजेस कर लिए, सुपरमैन पोज जंप कर लिए। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो एक के बाद एक के बाद एक आप लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो। एक बार पूरे अरेंजमेंट को आपको जमाना रहता है, ढेर सारे लोग एक साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं जिससे कि कोच को भी कम टाइम के अंदर सभी लोगों को ध्यान देने का मौका मिल पाता है। और ऐसी टाइप की ट्रेनिंग यार कम टाइम के अंदर अगर आप लोग को ट्रेन करना है उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, जहां पे आप लोग एक ही दिन के अंदर कम टाइम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को टारगेट कर पाते हो। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि सभी मसल्स यहाँ पे एक बार में ही ट्रेंड हो जा रही है। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा, और 7 मिनट की सीरीज आई होप आप सभी लोग को बहुत पसंद आई होगी। ऐसे आप लोग प्यार सपोर्ट अपने भैया के चैनल में बनाए रखे, नोट से रीड करो, अच्छे से रिवाइज करो, तगड़े वे में पढ़ के जाओ और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके आओ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।